हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू बुगली के लाइव यूट्यूब क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्लास का नोटिफिकेशन चेंज हो गया है, आप इधर आ जाइएगा। क्लास का नोटिफिकेशन चेंज हो गया है, आप इधर आ जाइए। जो लोग उधर हैं, आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लेक्चर चेंज करना पड़ा। लेक्चर चेंज हो गया है, आप आ जाइएगा, इधर जल्दी से आ जाइए। क्लास में कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी और इस वजह से अभी वापस से इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चेंज करना पड़ा, तो आप प्लीज इधर आ जाइएगा दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए। जल्दी से इधर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो वाला नोटिफिकेशन हटा करके इधर से ज्वाइन कर लीजिएगा नई क्लास। न्यू क्लास ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। बता दीजिएगा जो दोस्तों को नहीं पता है उनको कि नोटिफिकेशन चेंज हो गया है, न्यू नोटिफिकेशन आ गया है। इधर आ जाइए जल्दी से। फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका कोटा के लाइव ब्रॉडकास्टिंग चैनल, कोटा से ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ बुगली के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ YouTube की तरफ से मुझे रेस्पॉन्स आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग लगभग दोस्तों 20 दिन के अंदर अंदर आपने वुगली को इंडिया का नंबर वन नर्सिंग स्टडी चैनल बना दिया है। आज एक साथ लाइक करिए, पहले सब लोग वीडियो को लाइक करिए, फिर आज क्लास शुरू करेंगे। 349 350 बच्चे ऑनलाइन है, 350 बच्चों का लाइक मुझे चाहिए, तभी जाके लेक्चर शुरू होगा आज। जल्दी से लाइक करिए, जितने भी ऑनलाइन है, लाइक करने के बाद ही क्लास शुरू होगी। एक साथ लाइक करिए, जितने लाइव हैं उतने ही लाइक चाहिए मुझे। अभी 168 हुए हैं, 217, 325 लाइक चाहिए मुझे एग्जैक्ट, 338, 238, 259, 259 हुआ है अभी, 354 बच्चे लाइव है, 270, 280, 281, 288, 395 स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, 395, 290 लाइक है ओनली, 290 लाइक है, 394 लाइव आ चुके हैं। बराबर चाहिए मुझे लाइव और लाइक। चार सौ एक लाइव है और ओनली 323, 2323, बराबर लाइक चाहिए। जितने लाइव हैं अभी उतने लाइक करिएगा, बराबर कर दें, बराबर। जो लाइक नहीं कर रहा अभी लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दें। दोस्तों, खुशी की बात है, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज YouTube की तरफ से मेल मिला है और उसमें मुझे मिला है सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल का प्राइस। इट मींस मुझे जो आज मेल मिला है उसके अंदर इतना जल्दी, दोस्तों आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 20 दिन के अंदर अंदर वुगली लाइव यूट्यूब क्लासेस को इंडिया का नंबर वन नर्सिंग स्टडी चैनल बना दिया है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नर्सिंग। एवरेज वॉच टाइम मेरे पास आया है, एवरेज वॉच टाइम में बहुत हाई पीक लेवल से इस चैनल को देखा जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। तो मैं आप सबका दिल से आभार करता हूँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोटा से वुगली के लाइव प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना कितना वुगली देख रहे हो, आप इतना ज्यादा वुगली देख रहे हो शायद, मुझे लगता है पैन इंडिया से, कि इसको नंबर वन बना दिया आपने पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर। कितना वुगली देख रहे हो आप, अपना अपना वॉच टाइम पोस्ट करो, देखें कितने समय तक आप देखते हो दिन भर में वुगली को, कितने घंटे आप वुगली देखते हो, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लिखिए कितने घंटे आप वुगली देखते हो। 518 बच्चे लाइव हैं और ओनली अभी 394 लाइक हुए हैं, बराबर आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। 517, 517 लाइव है, 517 जने लाइक करो, 521, 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4-5 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे,
तभी जा करके मुझे मेल आया YouTube की तरफ से कि इतना ज्यादा कोई चैनल देखा नहीं जा रहा है इंडिया के अंदर, नर्सिंग प्रोफेशन में इतना ज्यादा इस चैनल को देखा जा रहा है आज की तारीख में, कि बच्चों मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इसमें इतने कम समय में, दैट इज अ वेरी ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस अचीवमेंट, दैट इज वेरी ट्रेमेंडस डाटा, बहुत खतरनाक डाटा है कि आप इतने ज्यादा लाइक कर रहे हैं और इतना ज्यादा देखा जा रहा है। सो 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 थैंक यू सो मच दोस्तों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हो सकता है यदि अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपकी नॉलेज को अपडेट करना, और नहीं आता है जिनको वो सीखना, और जो अभी एग्जाम देने जा रहे वो सब अपने अपने क्वेश्चन को रिव्यू करना। तो फ्रेंड्स, आज जो सीपीआर हम पढ़ने जा रहे हैं, सीपीआर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आज मैं समझाऊंगा आपको, और काफी वैल्यूएबल तरीके से और काफी स्मार्ट और एक्सपीरियंस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो सीपीआर बहुत अच्छे तरीके से आप सीखना दोस्तों, क्योंकि आजीवन काम आने वाला है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, और एग्जामिनेशन पर्पज से भी सीपीआर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, क्या शुरू की जाए क्लास, शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको शुरू करता हूं बच्चा, कि देखिएगा ये इमेज दिख रही है। अब सीपीआर के कुछ एक्स्ट्रा नाम मैं बताता हूं आपको। सीपीआर को कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन मीन सीपीआर भी बोला जाता है बच्चों। इसको एक्यूट कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी कहा जा सकता है, एसीएलएस भी कहा जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी इसको कहा जाता है, बीएलएस भी बोला जाता है। तो सीपीआर के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, सीपीआर, एसीएलएस, बीएलएस। तो बीएलएस भी इसको कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहा जाता है, सीपीआर को कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन भी बोला जाता है दोस्तों, और एसीएलएस भी कहा जाता है दोस्तों। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि सर आपकी कोचिंग पर, आपके इंस्टीट्यूट पर बैच कब शुरू होगा, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि कुछ बच्चे हिंदुस्तान के अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं यहाँ कोटा आकर के, तो जो कोटा आकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि 25 फेब से मैं ऑफलाइन बैच शुरू करूंगा, और इस बैच में आकर के आप कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो जिनको कोटा आना है वो आ सकते हैं। तो सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है मैंने। यदि अगर मेरे साथ आकर के पढ़ना चाहता है कोई, मैं फंडा और एमएसएन दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ, एनाटॉमी पढ़ाता हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, जेनेटिक्स पढ़ाता हूँ, और उसके अलावा पैथोलॉजी आपको पढ़ाता हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके बाद बाकी के जो एमसीआई पर फैकल्टीज है वो सब डॉक्टर्स हैं कुछ, और कुछ गवर्नमेंट सेलेक्टेड स्टाफ हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन कोटा आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, तो लाइव क्लासेस मैं तो मैं पढ़ाऊंगा ही सही। इसके अलावा अगर ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कोटा आ सकते हैं। 25 से ये बैच शुरू होने जा रहा है, 25 फेब से। इवनिंग बैच रहेगा, 3 से 8 टाइम होता है बैच का, 3 to 8, और 5 आवर पर डे क्लासेस होती है। ठीक है बच्चों, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो देखिएगा, टॉपिक को शुरू करते हैं बच्चा, सीपीआर। और सीपीआर को हम 3 नाम से जानते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं सीपीआर, दूसरा एसीएलएस, तीसरा बीएलएस इसको कहा जाता है बच्चा। इसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं, एक्यूट कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी कहा जाता है, या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट भी इसको कहा जाता है। तो पहला तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं बच्चा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक सैंपल क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है कि जस्ट इसका आंसर दीजिए। ऑन अ फाइंडिंग अ चाइल्ड हु इज नॉट ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो पहले मैं आपकी नॉलेज चेक करने जा रहा हूं, कि आपको सीपीआर के बारे में क्या मालूम है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, फिर आपको बताएंगे कि सीपीआर के बारे में कैसे आपको आंसर करना है। तो सबसे पहला आप आंसर करिए, फर्स्ट आंसर। सबसे पहला सैंपल क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। बहुत से बच्चे आंसर काफी बेस्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। ऑन अ फाइंडिंग चाइल्ड हु इज नॉट ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट। नर्स को सबसे पहले क्या करना है? जस्ट पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, चाइल्ड है, चाइल्ड इज नॉट ब्रीदिंग, सबसे पहले कहा जा रहा है कि इज नॉट ब्रीदिंग। व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? यू विल फाउंड है, आप गए। चलो एक बच्चा दिखाता हूं आपको, आज मैं आपके लिए ये चाइल्ड लेकर आया हूं, देखना ये दिख रहा होगा सबको। आज इस बच्चे से मैं आपको सीपीआर सिखाऊंगा, ये जो आपको दिख रहा होगा छोटू, राइट इस छोटू से आपको सीपीआर सिखाएंगे। हेलो, हाउ आर यू ऑल, सब हाय हाय,
ये बुगली का छोटू है, बुगली का छोटू है, ये आपको सीपीआर सिखाएगा आज। ओके तो जस्ट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस यू सीपीआर अबाउट दिस। ओके तो देखिएगा, हमने कहा यू जस्ट गॉट अ चाइल्ड, आपको एक ऐसा बच्चा मिला है दैट इज नॉट ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। तो फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लियर है गाइस? तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताता हूँ कि कैसे मेनली इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप। तो देखिएगा बच्चों, जब कभी भी हमें कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की आवश्यकता है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की आवश्यकता में हमें तीन प्रकार के पेशेंट मिल सकते हैं। देखना आप ध्यान से, सबसे पहली प्रायोरिटी, तो हमें क्वेश्चन कहा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हमें तीन टाइप के पेशेंट्स मिल सकते हैं बच्चों। सबसे पहला पेशेंट मिलता है नॉट ब्रीदिंग, नॉट ब्रीदिंग, पहला पेशेंट ऐसा मिल सकता है बच्चों जो ब्रीदिंग ही नहीं कर रहा हो। दूसरा पेशेंट ऐसा मिल सकता है दोस्तों जो अनकॉन्सियस हो, कैसा हो, अनकॉन्सियस, जो क्लाइंट अनकॉन्सियस हो। थर्ड पेशेंट ऐसा मिल सकता है जो कॉन्सियस हो, कैसा हो, कॉन्सियस हो। तो जस्ट यहां पर हमने कहा कार्डियक अरेस्टेड है कॉन्सियस से, कॉन्सियस से मीन्स कैसा है, एस्फिक्सिया है, कैसा है, एस्फिक्सियल। तो देखिएगा तीन वैरायटी के पेशेंट्स हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमें कौन कौन से पेशेंट्स मिल सकते हैं, तो सबसे पहली बार जब हम कह रहे हैं कि सीपीआर की आवश्यकता जब हमें बताएंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा पेशेंट मिल सकता है दैट इज नॉट ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग नहीं कर रहा हो। दूसरा ऐसा पेशेंट मिल सकता है दैट इज अनकॉन्सियस, यस और नो। तीसरा ऐसा पेशेंट मिल सकता है दैट इज कॉन्सियस, यानी कि एस्फिक्सियल पेशेंट मिल सकता है। तो बच्चा सुनिएगा ध्यान से, जब आपको ऐसा पेशेंट मिले दैट इज नॉट ब्रीदिंग, तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो व्हेन द हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, और फर्स्ट पेशेंट इफ वी गेट दैट इज नॉट ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो जस्ट व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लियर द एयरवे। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, क्लियर द एयरवे। दूसरा पेशेंट ऐसा मिला जो अनकॉन्सियस होता है बच्चों, यदि अगर हमें अनकॉन्सियस पेशेंट मिलता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होगा इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना, 911 इंटरनेशनल हेल्पलाइन नंबर है ये, इंटरनेशनल सीपीआर हेल्पलाइन नंबर है, तो इंटरनेशनल सीपीआर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जाना चाहिए। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा जनरेट किया हुआ नंबर है, कॉल ऑन द 9411। यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है, यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, कॉल ऑन द 911। ओके, कॉल ऑन द कॉल फॉर द रेस्क्यू। ओके बच्चों, नेक्स्ट, यदि पेशेंट अगर अनकॉन्सियस है, यदि पेशेंट, अरे यार अगर मैं यहाँ पे गलत भूल गया, देखो ध्यान से, वापिस से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको, चलिएगा यहां से मिस्टेक हो गई। यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है बच्चा, यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है, अनकॉन्सियस है, अरे यार सही तो बात की थी मैंने, उधर भी अनकॉन्सियस ही लिख रखा है, ठीक है ना, तो उधर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सियस करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, मिस्टेक ऐसा हो गया है, ध्यान देना आप, इधर कॉन्सियस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि अगर बच्चा पेशेंट नॉट ब्रीदिंग, नॉट ब्रीदिंग मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू क्लियर द एयरवे। देन पेशेंट इफ अनकॉन्सियस है, यदि अनकॉन्सियस पेशेंट है, तो अब पहली बात, डायरेक्टली यदि सीपीआर शुरू करते हो तो एफर्ट करने से कोई मीन्स ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट इज ऑलरेडी अनकॉन्सियस। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस केस कॉल ऑन द 911, एंड 911 रिलीज बाय द अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीपीआर हेल्पलाइन नंबर है ये, इंटरनेशनल सीपीआर हेल्पलाइन नंबर, क्लियर है। देन उसके बाद हमने कहा यदि पेशेंट कॉन्सियस है, केवल एस्फिक्सिया हो रहा है, कॉन्सियस है, बचने की संभावना है बच्चा, तो जस्ट कॉल में समय वेस्ट नहीं करना है, कॉल में समय वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कंप्लीट द फाइव साइकिल ऑफ CPR, सबसे पहले CPR के 5 साइकिल कंप्लीट करिए, देन फिर आप उसके बाद में कॉल करके इन्फॉर्म करिए। तो पहला प्रायोरिटी तीनों के केस में, ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजनल क्वेश्चन होते हैं तीनों, ध्यान रखना बच्चा, जब एग्जाम में आता है कि अगर पेशेंट जस्ट यू गोट यू फाउंड अ पेशेंट दैट इज नॉट ब्रीदिंग, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट, क्लियर द एयरवे। देन यदि यू गोट फाउंड अ पेशेंट दैट इज अनकॉन्सियस,
नहीं, जस्ट कॉल ऑन द 911, देन इफ यू गोट अ पेशेंट दैट इज कॉन्सियस एस्फिक्सियल, देन फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द 5 साइकिल ऑफ CPR, देन कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। देन पहले CPR कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। समझ गए बात बच्चों? क्लियर है? ये तीनों प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन कर लेना सबसे पहली कंडीशन में। तीनों प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन कंप्लीट है ना? यदि प्रायोरिटी पूछा जाए, प्रायोरिटी तीन ही केस में पूछी जाती है। सबसे पहली प्रायोरिटी पूछी जाती है कि आपको एक ऐसा पेशेंट मिला जो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले उसका एयरवे चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका एयरवे सीजेशन हो रहा हो, एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू क्लियर द एयरवे। इफ क्लाइंट इज अनकॉन्सियस, यदि पेशेंट अनकॉन्सियस है बच्चा, अनकॉन्सियस है, तो डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन यदि स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई मीन्स ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पेशेंट इज ऑलरेडी डाइड या अरेस्टेड या अनकॉन्सियस। तो इन दिस केस फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू इन्फॉर्म या कॉल ऑन द 911। देन इन केस ऑफ द पेशेंट इज कॉन्सियस या एस्फिक्सियल है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्लीट द 5 साइकिल ऑफ CPR। हो गया ये? नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है बच्चे, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिस्टोरिंग द सर्कुलेशन इन अ पल्सलेस विक्टिम। देखो यहां से टेक्निकल वर्ड पे हाईलाइट करा है मैंने, टेक्निकल वर्ड को पकड़ना। विक्टिम कैसा है? पल्सलेस विक्टिम। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिस्टोरिंग द सर्कुलेशन इन अ पल्सलेस विक्टिम? पल्सलेस विक्टिम्स के अंदर सर्कुलेशन को रिस्टोर करने का क्या मेथड होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन कीपिंग द एयरवे ओपन यूजिंग ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर पोजीशन ऑन द हार्ड फ्लैट सरफेस। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर मुझे जैसा कि अनुमान लग रहा है, आप में से मोस्ट ऑफ बच्चे चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। आपको एक ऐसा पेशेंट मिला है जो पेशेंट क्या है? पल्स नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ बार-बार? पल्स नहीं आ रहा है। अब जब पल्सलेस कंडीशन होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप CPR करो, या फिर अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर है तो AED करो। क्लियर है? तो देखिएगा, दो ऑप्शन है आपके पास बच्चों। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। जब कभी भी पल्सलेस विक्टिम मिल जाए तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो डायरेक्टली CPR शुरू करना है अब, या फिर AED करना है, डिफिब्रिलेटर करना है। अब बच्चों, ज्यादातर जिनको कार्डियक अरेस्ट आता है तो कार्डियक अरेस्ट प्री हॉस्पिटल आ जाता है। अब प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है जहां पर कोई सुविधा ही नहीं है, जहां पर डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो सबसे पहला यानी प्री हॉस्पिटल क्लाइंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करोगे? प्री हॉस्पिटल क्लाइंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे CPR शुरू कर देना। बट यदि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्टोर द सर्कुलेशन? देन इन दिस कंडीशन द आंसर इज सी, यूजिंग एन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। बच्चों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे ध्यान देना था आपको, मोस्ट इफेक्टिव। तो CPR तो क्या है? CPR डिफिब्रिलेटर का अल्टरनेट तरीका है भारत में, जिसको जुगाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़। अगर हकीकत में मेरी भाषा में सुनो ना आप, तो जुगाड़ कहता हूं मैं, कोटा की हाड़ोती भाषा में बात कर रहा हूं। तो अगर CPR को अगर मैं कहूं कि CPR क्या है, तो CPR डिफिब्रिलेटर का जुगाड़ू तरीका है, ठीक है ना? यानी कि अल्टरनेटिव वे ऑफ डिफिब्रिलेटर का अल्टरनेट क्या है बच्चा? अल्टरनेटिव तरीका, सब्स्टिट्यूट तरीका क्या है? CPR है। अंडरस्टैंड? तो CPR से भी हम सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं और डिफिब्रिलेटर से भी सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। अब कंडीशन आती है कि कब क्या क्या यूज करना है। तो अगर पेशेंट को प्री हॉस्पिटल पेशेंट को अगर रिस्टोर करने जा रहे हो तो मोस्ट इफेक्टिव पूछा जाए। यहां पर तो पूछा आपसे, ऐसा कुछ नहीं कहा कि प्री हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल में, दोनों चीजें अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में आपके पास चेस्ट कंप्रेशन का तरीका CPR है, और दूसरे में आपके पास AED है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। तो दोनों तरीके हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट इफेक्टिव बताओ। तो दोनों में कंपेयर करो अगर आप,
सीपीआर में और डिफिब्रिलेटर में, तो दोनों में से मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है बच्चों? जस्ट डिफिब्रिलेटर मोस्ट इफेक्टिव होता है। क्या होता है? डिफिब्रिलेटर मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो डिफिब्रिलेटर इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्टोर द सीपीआर, टू रिस्टोर द मेथड टू रिस्टोर द पल्सलेस विक्टिम। पल्सलेस विक्टिम को रिस्टोर करने का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है? डिफिब्रिलेटर। अब यहां पर हमसे कहा कि प्री हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल है, अगर प्री हॉस्पिटल पूछा जाएगा तो सीपीआर करना है क्योंकि वहां डिफिब्रिलेटर नहीं होता है। देन हॉस्पिटल में आ गया है पेशेंट, फिर क्या है मोस्ट इफेक्टिव? तो फिर क्या है बच्चों? डिफिब्रिलेटर। और मोस्ट कॉमनली डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल। इमरजेंसी में कौन सा डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं? ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर टू? अंडरस्टैंड? सो द राइट आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू ओपन द एयरवे ऑफ अ विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग? हु इज नॉट ब्रीदिंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हु इज नॉट ब्रीदिंग, हु इज नॉट ब्रीदिंग पूछा जा रहा है। टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू ओपन द एयरवे, किसके लिए? एयरवे को ओपन करने के लिए। एलिवेट द नेक, लिफ्ट द चिन, प्रेस द जो, क्लियर द माउथ, which is most effective technique? which is most effective technique? which is most effective technique is most appropriate for nurse to use to open the airway of a victim who is not breathing? जो breathing नहीं कर रहा है उसके लिए most effective technique पूछा जा रहा है किसको? airway को open करने का, to open the airway। अब दोस्तों अब हमें करना है CPR, क्या करना है? CPR यानी कि cardio पल्मोनरी रिससिटेशन। देखो ध्यान से, क्या करना है आपको? कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन का मींस होता है रिस्टोर। क्या करना है? कार्डियो पल्मोनरी रिस्टोर करना है। तो बच्चों यदि अगर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना है तो पल्मोनरी रिससिटेशन करने के लिए हम इसको ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं लंग्स में, यस और नो? अब ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले एयरवे को ओपन तो करेंगे ना। एयरवे ओपन ही नहीं है, अगर मान लीजिएगा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है एयरवे में, तो फिर हम पल्मोनरी रिससिटेशन कैसे करेंगे? तो पल्मोनरी रिससिटेशन करने से पहले एयरवे को ओपन करना पड़ेगा। एयरवे को ओपन करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चों? ये हेड है, हेड है हमारा, तो हेड को क्या करना है? देखो ये है छोटू, आजा भाई, छोटू आ गया है। ये देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं, क्लाइंट है सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में है। अब यदि अगर आप इसका इसका एयरवे ओपन करना चाहते हो, तो ओपन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप हेड को टिल्ट करो। हेड को टिल्ट कर दिया, पीछे की तरफ लटका दिया हेड को ऐसे। हेड को टिल्ट करने के बाद फिर क्या करना? चिन को, चिन को, हेड हेड को जस्ट पीछे करके चिन को लिफ्ट करना। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। हेड को टिल्ट करके पीछे करके, पीछे करना होगा आपको पहले तो हेड को ऐसे टिल्ट करना होगा, फिर क्या करना होगा? चिन को लिफ्ट करना होगा थोड़ा सा, जिसमें एयरवे पूरा स्ट्रेट ओपन हो जाता है, ठीक है बच्चा? तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कैसे करना है? देखो हेड को टिल्ट, पहले हेड को टिल्ट करो पीछे की तरफ, फिर थोड़ा चिन को लिफ्ट करना है ऐसे ऐसे। पहले तो हेड को टिल्ट, फिर चिन को लिफ्ट करना है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करोगे तो एयरवे ओपन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट वे टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू ओपन द एयरवे। तो एयर को ओपन करने, एयरवे को ओपन करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? लिफ्ट द चिन। तो जस्ट पूरा जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? हेड हेड टिल्ट, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, ठीक है बच्चों? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। तो यहां पर आधी ही बात पूछी है आपसे, तो लिफ्ट द चिन, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? हो गया? तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट इज द बेस्ट वे टू ओपन द एयरवे, क्लियर? अब एयरवे ओपन करते समय ध्यान रखना, यदि अगर उसको सर्वाइकल इंजरी है, सर्वाइकल इंजरी अगर हो रहा है, तो फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड काम में नहीं लेना। यहां पे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो एक स्पेशल नोट क्या ध्यान रखना है आपको? एक स्पेशल नोट ये ध्यान रखना है कि यदि अगर पेशेंट को एयरवे को ओपन करना चाहते हैं और बट कंडीशन क्या लगा दी, बट पेशेंट को क्या है? सर्वाइकल इंजरी है,
सर्वाइकल इंजरी है तो फिर आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं करोगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं करोगे तो फिर साहब एयरवे को कैसे ओपन करेंगे? तो फिर एयरवे को ओपन करना है जो थ्रस्ट मैन्यूवर से। जो थ्रस्ट मैन्यूवर कैसे? ये दो जो थ्रस्ट मैन्यूवर के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से विक्टिम को इस तरह से यहां से दोनों जबड़े पकड़ के और ऐसे ऊपर करोगे, ऐसे ऊपर करना है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर और ऊपर ऐसे, क्लियर। तो ऐसे ऐसे ऊपर करना है आपको, तो इसको कहते हैं जो थ्रस्ट। एक इमेज आती है एग्जाम के अंदर और ऐसे एक विक्टिम लेटा हुआ है और विक्टिम को इस तरह से आपने होल्ड किया हुआ है, तो विक्टिम को इस तरह से होल्ड किया हुआ है ना बच्चा, तो वो क्या होता है, जो थ्रस्ट मैन्यूवर होता है। और जो थ्रस्ट मैन्यूवर क्या काम आता है, एयरवे को ओपन करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ध्यान रखना एयरवे ओपन करने के दो तरीके, पहला हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, बट एक कंडीशन होती है सर्वाइकल इंजरी। सर्वाइकल इंजरी यदि है तो जस्ट फिर क्या करना है, जो थ्रस्ट मैनुअर यूज करना है। जो थ्रस्ट मैनुअर में यहां से पकड़ के और पीछे की तरफ हम हेड को टिल्ट करते हैं, खींचते हैं, यानी फिर उसके बाद में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं किया जाता है। तो क्लियर है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये दोनों इमेजेस यहां से देख लेना आप, दोनों इमेजेस है आपके सामने। सबसे पहला इमेज है बच्चा, ये जो मैन्यूवर देख रहे हैं आप, ये मैन्यूवर मैं बात कर रहा था अभी, ये मैन्यूवर कहलाता जो थ्रस्ट मैन्यूवर। जो थ्रस्ट मैन्यूवर कब यूज करते हैं, इफ सर्वाइकल इंजरी, यदि सर्वाइकल इंजरी वाला पेशेंट है और एयरवे ओपन करना चाहते हो तो देन दिट इज प्रेफर्ड। तो प्रेफर्ड कौन सा होगा फिर, जो थ्रस्ट मैन्यूवर। यदि अगर इंजरी नहीं है नॉर्मल विक्टिम है तो जस्ट फिर क्या करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज करना है। कौन से में, अनइंजर्ड विक्टिम के अंदर, अनइंजर्ड विक्टिम जिसको कोई इंजरी नहीं है। तो फिर आप ये दोनों इमेज याद रखना, ये जो मेथड आप देख रहे हो, ये जो मेथड देख रहे हो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ये क्या है बच्चा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड है एयरवे को ओपन करने के लिए। ये जो मेथड आप देख रहे हैं ये मेथड क्या है, जो थ्रस्ट मैन्यूवर है। दोनों मेथड को एयरवे ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इसको कब यूज करते हैं, जब सर्वाइकल एरिया में इंजरी हो, और इसको नॉर्मल जो पेशेंट अनइंजर्ड विक्टिम है, अनइंजर्ड विक्टिम में मोस्ट प्रेफर्ड वे। तो अगर क्वेश्चन कर लिया जाए मोस्ट प्रेफर्ड वे टू ओपन द एयरवे इन एन अनइंजर्ड पेशेंट, तो फिर क्या आंसर जाएगा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। यदि अगर क्वेश्चन किया जाए मोस्ट प्रेफर्ड मेथड टू ओपन द एयरवे इन सर्वाइकली इंजर्ड विक्टिम्स, तो फिर आंसर क्या होगा, जो थ्रस्ट मैनुअर। ठीक है बच्चा, ये जो थ्रस्ट मैनुअर के दोनों इमेज काफी मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाता हूं आगे, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ द विक्टिम रिक्वायर रेस्क्यू ब्रीदिंग। विच इज द बेस्ट मेथड, क्या पूछा जा रहा है, बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ द विक्टिम रिक्वायर रेस्क्यू ब्रीदिंग। Which is the best method for determining the victim require rescue breathing? Victim को rescue breathing की आवश्यकता है, इसे determine करने का best method क्या होता है? Observe the victim skin color, feel the pulsation at the neck, check for the absence for normal breathing, blow air into the victim's mouth. अब answer करिए इसका, answer please, क्या answer करेंगे आप? Question बड़ा ही important question है, देखिए मैं इसे 2 स्टार का सम्मान देता हूं, 2 स्टार क्वेश्चन है ये। व्हाट यू विल डू, फील द पल्सेशन एट द नेक। देखो देखो बच्चों, यही गलती करते हो और मैं यहां से आपको यही सब मिस्टेक्स को निकालने वाला हूं। मेरा फेमस कोटेशन याद है ना आपको, मेरा सबसे फेमस कोटेशन, जितनी भी टीचिंग मैंने मेरे करियर में की है, 14 साल से पढ़ा रहा हूं, तो जितनी टीचिंग मैंने की है ना, मेरा एक ही कोटेशन सबसे ज्यादा फेमस है। द वे, मेरा कोटेशन लिखाता हूं, द वे फ्रॉम कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस। मेरा सबसे फेमस कोटेशन क्या है बेटा, द वे फ्रॉम कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस। और मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज था लेकिन अब कॉन्फिडेंट है, और मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब कॉन्फिडेंट होंगे। देखो अब आप जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा आपको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि पल्स चेक करना है, पल्स चेक करना है। अरे ये तो सिखाया ही नहीं जाता है कि पल्स कब चेक करना है, अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पर जानते हैं, कहा जा रहा है विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ द विक्टिम रिक्वायर रेस्क्यू ब्रीदिंग।
जस्ट बच्चों यहां पर दो बातें होती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि ऐसे दो पेशेंट्स, तो जब पेशेंट्स हमें मिलेंगे तो पेशेंट देखो किस तरह से मिलते हैं। एक पेशेंट मिलता है, इसको कार्डियक अरेस्ट है। क्या है? कार्डियक अरेस्ट। क्लियर है बच्चा? दूसरा पेशेंट ऐसा मिलता है जिसको पल्मोनरी अरेस्ट है। क्या है? पल्मोनिक अरेस्ट है, बट हार्ट रेट चल रहा है। तो यहां पर हार्ट रेट प्रेजेंट होगा, यहां पर कार्डियक अरेस्ट है, और हो सकता है यहां पर केवल अगर कार्डियक अरेस्ट है और तीसरी कंडीशन मिल सकती है बच्चों, कार्डियक अरेस्ट भी हो रहा है और पल्मोनिक अरेस्ट भी हो रहा है। तो देखो पल्मोनिक अरेस्ट भी हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना है आपका, फिर उसके बाद पढ़ा दूंगा, आंसर बता दूंगा। देखो क्या हो रहा है, पहला पेशेंट आपको ऐसा मिला जिसको कार्डियक अरेस्ट है, केवल कार्डियक अरेस्ट है। तो ओनली कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को क्या करना है, आपको डिफिब्रिलेटर की जरूरत है, इसको रेस्क्यू ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट है, ब्रीदिंग चल रहा है, इसको केवल क्या करना है, डिफिब्रिलेट करना है। दूसरा ऐसा पेशेंट मिला है जो क्या है, पल्मोनिक अरेस्ट है, यानी रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, बट इसको हार्ट रेट चल रहा है। तो इस कंडीशन में केवल आपका जो एक्शन होगा वो क्या होगा बच्चा, इस कंडीशन में आपका एक्शन होगा एयरवे क्लियरेंस को चेक करना। एयरवे क्लियरेंस को चेक करके फर्स्ट एक्शन तो होगा एयरवे क्लियरेंस को चेक करना, और सेकेंड एक्शन क्या होगा इस पेशेंट के लिए, सेकेंड एक्शन होगा बच्चों कौन सा, रेस्क्यू ब्रीदिंग देना। तो दूसरा एक्शन होगा रेस्क्यू ब्रीदिंग, ठीक है ना। लेकिन एक क्लाइंट, एक विक्टिम ऐसा मिला जिसमें ना तो हार्ट रेट चल रहा है और ना रेस्पिरेशन चल रहा है, तो इस कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और पल्मोनिक अरेस्ट हो रहा है, इस पेशेंट को दिया जाता है सीपीआर। इसको दिया जाता है पूरा फुल सीपीआर इसको देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा आपसे कहना है कि कंफ्यूजन दूर हुआ, ये क्या करते हैं, कब क्या करते हैं। तो अगर केवल कार्डियक अरेस्ट है तो डिफिब्रिलेटर की जरूरत है, इसको ओनली फर्स्ट नीड इसकी डिफिब्रिलेटर है। यदि पल्सलेस विक्टिम है, पल्मोनिक अरेस्ट हो रहा है लेकिन पल्स आ रही है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा इस कंडीशन में, फर्स्ट एक्शन होगा एयरवे क्लियरेंस, दूसरा एक्शन होगा रेस्क्यू ब्रीदिंग। यदि कार्डिया हार्ट भी अरेस्टेड है, रेस्पिरेटरी भी अरेस्ट हो रहा है, तो फिर हमारा फर्स्ट एक्शन होगा सीपीआर या फिर डिफिब्रिलेटर। क्लियर है गाइस? तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ द विक्टिम रिक्वायर रेस्क्यू ब्रीदिंग, केवल रेस्क्यू ब्रीदिंग की जरूरत है या नहीं है, ये हमसे पूछना चाहता है, ये जो एग्जामिनर पूछ रहा है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि रेस्क्यू ब्रीदिंग की जरूरत है या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है हमसे। अरे यहां पर अगर मान लीजिएगा ये पेशेंट मिलेगा, ये वाली कंडीशन है, तो वेंटिलेटर भी जुड़ेगा और इधर क्या होगा, डिफिब्रिलेटर की आवश्यकता है। तो यहाँ का काम कौन करेगा, इसका काम कौन करेगा, डिफिब्रिलेटर, इसका काम कौन करेगा, वेंटिलेटर। तो ये जो सीपीआर वाला पेशेंट है, ये क्या होगा, एक तो इसको डिफिब्रिलेटर लगेगा हॉस्पिटल जाते ही, और एक वेंटिलेटर लगने वाला है, ठीक है ना। वेंटिलेटर इसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देगा। अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि जस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वायर ऑफ रेस्क्यू ब्रीदिंग, रेस्क्यू ब्रीदिंग की आवश्यकता को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। तो पहला ऑब्जर्व द विक्टिम्स स्किन कलर, तो स्किन कलर के लिए, स्किन कलर से आप रेस्क्यू ब्रीदिंग की आवश्यकता को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन कलर तो क्या होगा, स्किन कलर तो चेंज हो जाता है, और हाइपोक्सिया हाइपोटेंशन से भी चेंज हो जाता है। हाइपोक्सिया में तो स्किन कलर बदलता ही है, लेकिन हाइपोटेंशन से भी स्किन कलर बदल जाता है, लेकिन इसको रिलायबल नहीं मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको रिलायबल नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, हाइपोटेंशन होता है शॉक में, तब भी स्किन साइनोटिक हो जाती है, तो शॉक की वजह से भी हो सकता है या हाइपोटेंशन की वजह से भी हो सकता है। फील द पल्सेशन एट द नेक, अरे अब इसमें कंफ्यूजन था आपको सबसे ज्यादा, कि सबसे पहले नेक में पल्सेशन फील करो, अरे पल्सेशन फील करके और ब्रीदिंग की आवश्यकता को कैसे डिटरमाइन करोगे यार, थोड़ा सोचने वाली बात है। यस ओ नो? तो सोचने वाली बात क्या है कि अगर पल्सेशन फील करेंगे तो पल्सेशन से तो हमें क्या फील होगा, डिफिब्रिलेटर या सीपीआर की आवश्यकता, कंप्रेशन की आवश्यकता का पता चलेगा, रेस्क्यू ब्रीदिंग का थोड़ी पता चलेगा इससे, रेस्क्यू ब्रीदिंग, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। देन चेक द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, चेक फॉर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग,
वेरी गुड, चेक फॉर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, चेक फॉर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। तो देखिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग यदि नहीं हो रहा है तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू असेस द नीड फॉर ब्रीदिंग, चेक फॉर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्लो एयर इंटू द विक्टिम्स माउथ, ब्लो एयर इंटू द विक्टिम्स माउथ। देखो ये ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये कब करना है, ये सेकेंड प्रायोरिटी पर करना है। पहली प्रायोरिटी क्या है, देखो यार बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि टॉपिक बहुत खतरनाक है और क्वेश्चंस अनलिमिटेड बनते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज मुझे चाहे से 2 घंटे लग जाए, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर करके ही दम लूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहली बात हमें पता है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले चेक फॉर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। यदि नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो फिर इसको रेस्क्यू ब्रीदिंग की जरूरत है, और यही सबसे बेस्ट मेथड है रेस्क्यू ब्रीदिंग की आवश्यकता को डिटरमाइन करने का। ये वाला भी आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, ब्लो एयर इंटू द विक्टिम्स माउथ, माउथ में एयर देना शुरू कर दो। अरे माउथ में एयर देना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाता है, सीपीआर का कोई भी स्टेप शुरू करने से पहले ये मत भूलना कि सीपीआर का हर स्टेप कहां से शुरू होता है, असेसमेंट से शुरू होता है। क्लियर है बेटा? तो सीपीआर का कोई भी स्टेप शुरू करो आप, चाहे कंप्रेशन शुरू करो, तो कंप्रेशन करना शुरू करने से पहले, चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने से पहले पल्स चेक कर लेना, ब्रीदिंग देने से पहले, रेस्क्यू ब्रीदिंग देने से पहले जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग चेक कर लेना। क्लियर है गाइस? तो कोई भी सीपीआर का स्टेप स्टार्ट करेंगे तो हर स्टेप को शुरू करने से पहले कहां से शुरू करना है, असेसमेंट से शुरू करना है। बिना असेसमेंट के यदि अगर आपने कोई स्टेप शुरू कर दिया सीपीआर का, तो आपका जो तरीका है वो गलत होगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी बोला आपको कि सबसे पहले पेशेंट को असेस करो। अगर पेशेंट ब्रीदिंग देंगे, यदि अनकॉन्सियस पेशेंट है, अनकॉन्सियस ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, तो फिर कॉल करो पहले, फिर उसको सीपीआर दो। यदि अगर पेशेंट कॉन्शियस है, पल्स आ रहा है, तो फिर पहली प्रायोरिटी में सीपीआर दो, फिर कॉल करो, जो पहले ही क्वेश्चन में सैंपल क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं आपको। अब यहां पर क्या बोल रहा है, रेस्क्यू ब्रीदिंग के लिए डिटरमाइन करने का तरीका, तो ब्रीदिंग पैटर्न और फिर उसके बाद जस्ट फिर उसके बाद माउथ में हम एयर देना शुरू करेंगे। क्लियर है? आई होप दैट नो, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल ना, यस और नो? अरे भाई बोलो, बात समझ गए क्या? बढ़ू आगे मैं? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द नर्स डिलीवर एन इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू द लंग्स ऑफ अ विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग, हु इज नॉट ब्रीदिंग। हाउ कैन द नर्स डिलीवर एन इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एयर, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर करने का मेथड इनटू द एयर लंग्स ऑफ द विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग। आंसर प्लीज, प्रेस ऑन द विक्टिम्स ट्रेकिया, रिमूव द विक्टिम्स डेंचर, पिंच द विक्टिम्स नोज शट, स्क्वीज द विक्टिम्स चीक। क्या करना होगा आपको, इफेक्टिव वे टू डिलीवर द रेस्क्यू, जस्ट व्हाट इज द इफेक्टिव वे डिलीवर एन इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू द लंग्स ऑफ अ विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बड़े शान से बड़े तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है इफेक्टिव वे, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू द लंग्स टू विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग नहीं करता है, जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है। अब जब आप उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, जब आप किसी को रेस्क्यू ब्रीदिंग देना चाहते हो, तो रेस्क्यू ब्रीदिंग देते समय नोज को क्या करना है, नोज को पिंच कर देना है, नोज को बंद कर देना है, नोज पिंच करके और फिर माउथ से रेस्क्यू ब्रीदिंग दिया जाता है। यदि अगर नोज ओपन होगा तो क्या करा होगा, आप माउथ से जो ब्रीदिंग दोगे वो नोज से बाहर निकल जाएगी, तो जो एयर आप माउथ से देंगे वो नोज से बाहर निकलेगा। इसलिए जो ब्रीदिंग आप कर रहे हो, रेस्क्यू ब्रीदिंग जो आप कर रहे हो, वो इफेक्टिव नहीं है। मैंने जाके चेक कर लिया, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि भाई इसको रेस्क्यू ब्रीदिंग दो,
दस बच्चों को बोला, पांच बच्चे तो नोज को पिंच करके बंद कर रखा था और फिर रेस्क्यू ब्रीदिंग कर रहे थे, तो उनका ही पैटर्न इफेक्टिव आया, वही नंबर वन आए। जो बच्चे रेस्क्यू ब्रीदिंग देना शुरू कर रहे थे, मैंने जाके फील्ड में देखा तो रेस्क्यू ब्रीदिंग दे तो रहे थे बट गलती क्या कर रहे थे, नोज पिंच नहीं कर रखा था। नोज पिंच नहीं करोगे तो जितनी एयर हम इसको देंगे उसमें से एयर का मोस्ट ऑफ वॉल्यूम नोज से होकर के लॉस हो जाएगा और जो ब्रीदिंग देंगे हम वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए वो सेकंड नंबर पे आए और जिन्होंने नोज को पिंच कर रखा था वो फर्स्ट नंबर पे आए। तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिलीवर द O2, पिंच द विक्टिम्स नोज शट, नाक को बंद कर देना है, फिर आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग देना होता है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नर्स फर्दर असेस द क्लाइंट हु इज अनरेस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस। द नर्स बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, कैसा है पेशेंट, हु इज अनरेस्पॉन्सिव है ध्यान रखना, एंड पल्सलेस है, पल्स भी नहीं आ रहा है, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिए नर्स ने। वेयर इज द करेक्ट प्लेसमेंट फॉर द नर्सेज हैंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द कार्डियक कंप्रेशन। कार्डियक कंप्रेशन शुरू करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। द नर्स फर्दर असेस द क्लाइंट हु इज अनरेस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस। वेयर इज द करेक्ट प्लेसमेंट फॉर द नर्सेज हैंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द कार्डियक कंप्रेशन। आंसर प्लीज। ऑन द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिफोर द टिप ऑफ द जिफोइड प्रोसेस ओवर द कोस्टल कार्टिलेज डायरेक्टली ओवर द मैनुब्रिम। चलो अब ये तो आपने जो क्वेश्चन देखा है, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, जैसे इसके बारे इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं बोला कि ये जो पेशेंट है ये अडल्ट है या फिर ये चाइल्ड है या फिर ये नियोनेट है या इन्फेंट है, एक साल से कम एज में इन्फेंट है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात नोटिस करने लायक है कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कुछ भी नहीं कहा कि पेशेंट किस टाइप का है, चिल्ड्रन है, अडल्ट है या फिर इन्फेंट है। तो जब आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोले तब आपको हमेशा क्या समझना है कि पेशेंट अडल्ट है। पेशेंट कैसा है, अडल्ट है, और अडल्ट पेशेंट्स में चेस्ट कंप्रेशन करने का करेक्ट लैंडमार्क क्या होता है, करेक्ट लैंडमार्क क्या होता है ये देखिएगा। सेंटर ऑफ द चेस्ट, पहले तो डिसाइड करो सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये है सेंटर ऑफ चेस्ट, क्लियर, सेंटर ऑफ चेस्ट दिख गया, सेंटर ऑफ चेस्ट। फिर आप डिसाइड करिए स्टर्नम, तो स्टर्नम यहां से शुरू होता है मेनुब्रिम से और कहां तक जाता है, जिफोइड तक, ये लीजिएगा जिफोइड तक है स्टर्नम, बिटवीन निप्पल, बिटवीन निप्पल, इस लोकेशन पर निप्पल है, ये देखिए ये लोकेशन पर निप्पल है, बिटवीन निप्पल सेंटर ऑफ द चेस्ट लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, दिस इज द करेक्ट लैंडमार्क, जहां मेरी दोनों फिंगर्स हैं, ये जो दोनों फिंगर्स हैं दैट इज द करेक्ट लैंडमार्क फॉर चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन का करेक्ट लैंडमार्क समझ में आ गया प्यारे दोस्तों सबको? तो देखिएगा ये आप देख रहे होंगे, ये है करेक्ट लैंडमार्क, क्लियर, तो दिस इज द करेक्ट लैंडमार्क फॉर चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन का करेक्ट लैंडमार्क ध्यान रखना, ऑन द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, सेंटर ऑफ चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट, दोनों निप्पल्स के बीच में, सेंटर ऑफ चेस्ट पर लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम इज द करेक्ट लैंडमार्क फॉर द करेक्ट लैंडमार्क फॉर द कंप्रेशन ऑफ चेस्ट। ओके बच्चा, यदि अगर ये पेशेंट, अब मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, यदि ये पेशेंट चिल्ड्रन होता तो इसमें चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए जो लैंडमार्क आपको याद रखना है वो सेम एज एडल्ट वही होगा जो अडल्ट के लिए यूज कर रहा है। तो चिल्ड्रंस में और अडल्ट्स में चेस्ट कंप्रेशन के लिए लैंडमार्क बिल्कुल सेम होता है। बच्चे केवल चेस्ट कंप्रेशन के लिए लैंडमार्क चेंज कहां होगा,
लैंडमार्क चेंज होगा केवल इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में चेस्ट कंप्रेशन के लिए लैंडमार्क क्या होगा? बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द निप्पल लाइन, निप्पल लाइन से बिटवीन, बिलो। जैसे कि यदि अगर नियोनेट है, नियोनेट में ये दोनों निप्पल्स हैं, दोनों निप्पल्स को मिला दो और इसके जस्ट नीचे बिलो वाले एरिया पे यहां पे कंप्रेशन करना है, तो बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द निप्पल लाइन वी डू द कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट टू रिस्टोर द हार्ट, टू रिस्टोर द हार्ट इन इन्फेंट्स। इफ वी आर गोइंग टू डू द चेस्ट कंप्रेशन इन अडल्ट और इन चिल्ड्रन, वी नीड टू कंप्रेस द चेस्ट एट द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द बोथ निप्पल्स एट द इन द सेंटर ऑफ चेस्ट। तो लोकेशन का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये था कंप्रेशन का लैंडमार्क या फिर कंप्रेशन की लोकेशन, चाहे वो अडल्ट हैं, चिल्ड्रन हैं या फिर हैं इन्फेंट। ओके प्यारे बच्चों, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन द नर्स कंप्रेस द चेस्ट ऑफ एन अडल्ट विक्टिम एट विच रेट? नो लेस देन 15 कंप्रेशन पर मिनट, नो लेस देन 40 कंप्रेशन पर मिनट, नो लेस देन 80 कंप्रेशन पर मिनट, नो लेस देन 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 कंप्रेशन पर मिनट। कितना कंप्रेशन की जरूरत है? योर आंसर प्लीज। बच्चों, एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट का हार्ट रेट होना चाहिए, एक नॉर्मली हार्ट का, हेल्दी हार्ट का नॉर्मल पेरिफेरल परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए, दोस्तों सुनिए ध्यान से, पेरिफेरल परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट रेट होना चाहिए मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100। अंडरस्टैंड? तो जस्ट बच्चों, स्वस्थ पेरिफेरल परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए जस्ट वी नीड टू डू द 100 कंप्रेशन पर मिनट, कम से कम 100 कंप्रेशन पर मिनट हमें करना होगा, कम से कम मिनिमम वी रिक्वायर 100 कंप्रेशन पर मिनट। अब एक आपके लिए इंपॉर्टेंट गुड न्यूज सुनना, जो आपको याद रह जाएगी इजीली, चाहे पेशेंट हो अडल्ट या फिर पेशेंट हो चाइल्ड या फिर पेशेंट हो इन्फेंट, किसी भी तरह का पेशेंट हो, तीनों ही प्रकार के क्लाइंट्स के अंदर, विक्टिम्स के अंदर कम से कम चेस्ट कंप्रेशन 100 तो होना ही चाहिए। तो ऑलवेज चेस्ट कंप्रेशन शुड बी मोर देन 100 और 100, चाहे पेशेंट विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, चाइल्ड हो, अडल्ट हो या फिर हो इन्फेंट, किसी भी तरह का विक्टिम है, मिनिमम वी नीड टू डू द 1 मिनट में। आपको इतना फास्टली कंप्रेशन करना होता है कि 1 मिनट में कम से कम आपको 100 कंप्रेशन देना पड़ेगा। कितना कंप्रेशन देना होगा? 100 कंप्रेशन, यानी कि जस्ट वी नीड टू कंप्रेस द हार्ट फॉर द अपर लिमिट ऑफ हार्ट रेट, हार्ट रेट की अपर लिमिट के बराबर कंप्रेशन करना है आपको, 100 कंप्रेशन पर मिनट करना है, तभी जाकर के पेशेंट के सर्कुलेशन को रिस्टोर किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? तो वी नीड टू डू द 100 कंप्रेशन पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने कंप्रेशन चाहिए? 100 कंप्रेशन, एंड सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। अब तीनों कंडीशन में 100 ही चाहिए, चाहे अडल्ट हो या कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द नर्स कॉल फॉर द हेल्प, देखो कॉल फॉर द हेल्प, अ सेकंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर अराइव्स, क्या कौन आ चुका है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर टीम आ चुकी है टू असिस्ट विद CPR। व्हेन टू रेस्क्यूअर परफॉर्म द CPR ऑन एन अडल्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन? कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा? आंसर प्लीज।
अब बच्चों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप अकेले सीपीआर कर रहे थे, एग्जामिनर देखो क्या बोल रहा है, पहले आप अकेले सीपीआर कर रहे थे, अब दो सीपीआर वाले रेस्क्यूअर आ चुके हैं, यानी अब आप कितने पर्सन हो गए, टू रेस्क्यूअर हो गए, पहले आप अकेले रेस्क्यूअर थे, अब दो रेस्क्यूअर हो चुके हैं। यदि दो रेस्क्यूअर हैं तो कंप्रेशन का रेट क्या होगा, ब्रीदिंग का रेट क्या होगा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो चलो क्लियर करते हैं। अब पेशेंट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, अडल्ट, चाइल्ड या फिर होते हैं इन्फेंट। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है। कभी भी यदि अगर एक रेस्क्यूअर है, पहले मैं लिखूंगा एक रेस्क्यूअर, कभी भी यदि अगर एक रेस्क्यूअर है तो अडल्ट में हमेशा 30 कंप्रेशन करना है और 2 ब्रीदिंग करना है, चिल्ड्रंस में भी 30 कंप्रेशन करना है, 2 ब्रीदिंग करना है। बच्चा जब कभी भी एक रेस्क्यूअर है और क्लाइंट यदि इन्फेंट है तो भी 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग। समझ में आ गई बात, कॉमन बात बोल दी मैंने, बहुत सिंपली मैं आपको याद करवाऊंगा सीपीआर, इतना सिंपल करके कि इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतना सिंपल करके आप सीपीआर के बादशाह बन जाओगे। अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद सीपीआर का कोई भी एग्जामिनर दे दे, क्योंकि तैयार मैं कर रहा हूं आपको इस बार। इस बार दिल्ली की और ऋषिकेश की पूरी जिम्मेदारी मेरी है आपकी, डोंट माइंड। तो आपको बहुत इजीली बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा पेशेंट तीनों में से किसी भी टाइप का है, जब कभी भी एक ही रेस्क्यूअर यदि अगर सीपीआर कर रहा है तो हमेशा रेशो रखना है 30 कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन, तो 30 कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन रेशो होगा। अब जब कभी कहा जाए 2 रेस्क्यूअर, कितने रेस्क्यूअर हैं, 2 रेस्क्यूअर हैं, तो चाहे एक रेस्क्यूअर है या 2 रेस्क्यूअर हैं, दोनों को ही बराबर इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल रेशो में ही सीपीआर प्रोवाइड करना होता है। तो यहां पर भी 2 रेस्क्यू के केस में भी 30:2 की रेट से ही सीपीआर करना है, लेकिन चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के केस में ये रेट ओनली क्या कर दोगे, 15:2। अंडरस्टैंड गाइस, 15:2। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं कि हर रेस्क्यूअर, एक रेस्क्यूअर था तो देखो बच्चों अडल्ट में 30 कंप्रेशन करना है, फिर आपको 2 रेस्क्यू देना है, 2 ब्रीथ देना है। अंडरस्टैंड, एक रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो, यदि अगर चिल्ड्रन और इन्फेंट हैं और आप रेस्क्यू करने वाले 2 लोग हैं, आप रेस्क्यू करने वाले 2 लोग हैं, तो आपको एक व्यक्ति को 15 कंप्रेशन करना है, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है, फिर दूसरे व्यक्ति को 15 कंप्रेशन करना है, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। इट मींस क्या हुआ, बच्चों में 2 रेस्क्यूअर होने पर हर रेस्क्यूअर का कंप्रेशन और ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 15:2। याद हो गया बेटा, तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो इजीली याद रहेगा। 1 रेस्क्यूअर का आंसर आ जाए कभी भी एग्जाम में आ जाए, 1 रेस्क्यूअर, 1 रेस्क्यूअर किसी के लिए भी पूछा हो, आंसर हमेशा क्या होगा, 30:2। एग्जाम में पूछा हो केवल मात्र चिल्ड्रन और इन्फेंट के लिए और कहा हो 2 रेस्क्यू, 2 रेस्क्यूअर पूछा हो और केवल बोला हो, तो यहां आंसर चेंज होगा ओनली 15:2। बहुत इजीली मैंने आपके सामने डिलीवर करी है बात को, याद रखना, याद है, क्लियर। तो चलो देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको,
हम जो आज क्लास पढ़ रहे हैं वो है सीपीआर। क्या है? सीपीआर। सीपीआर मीन्स कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी, ध्यान से सुनना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स रिस्टोरेशन। बच्चों सीपीआर उन्हें किया जाता है जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट अरेस्ट हो चुका है, जिनके लंग्स भी अरेस्ट हो चुके हैं यानी पल्मोनिक अरेस्ट हो चुका है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा यानी लंग्स अरेस्ट हो चुके हैं। अब बच्चों कभी भी कोई भी सीपीआर आप करने जा रहे हैं तो ध्यान रखो सीपीआर के एबीसीडी, आप ध्यान रखो ए बी सी और डी। सीपीआर में चार कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? सीपीआर में फोर कंपोनेंट्स हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से फोर कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट होता है ए बी सी और डी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेटर। फोर कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट हम कहते हैं एयरवे, सेकंड हम कहेंगे ब्रीदिंग, थर्ड कंपोनेंट बोलते हैं बच्चा सर्कुलेशन, क्लियर है? देन हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है डिफिब्रिलेटर। तो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीआर। दोस्तों इसमें इनमें से चारों में से कुछ भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो कभी भी लाइफ में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या प्रैक्टिकली आप कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो, ध्यान रखना इन चारों कंपोनेंट्स में से कोई भी स्टेप आप स्टार्ट करो तो हर स्टेप असेसमेंट से शुरू होगा। कहां से? असेसमेंट से शुरू होगा। तो एवरी स्टेप ऑफ सीपीआर स्टार्ट विद असेसमेंट। किससे शुरू होगा? असेसमेंट से शुरू होगा। बच्चों असेसमेंट से शुरू होता है और सीपीआर के अंदर, सीपीआर में जो हम रिस्टोरेशन करने का सीक्वेंस रखते हैं वो क्या रखा जाता है? तो देखिए सीक्वेंस रखना है आपको सीपीआर के अंदर रिस्टोरेशन करने का, प्रायोरिटी और सीक्वेंस किसको देना है? सी ए बी। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है, देखो सुनो आप कर क्या रहे हो, दीज आर द लंग्स एंड दिस इज द हार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ट है, दैट इज द हार्ट। टुडे वी फाउंड अ क्लाइंट, हमें एक क्लाइंट मिला है जिस क्लाइंट का लंग्स अरेस्टेड है। एक क्लाइंट है इसके हार्ट भी अरेस्ट है, हार्ट ऑल्सो अरेस्ट। अब हम जानते हैं कि हार्ट को रिस्टोर करने के लिए हार्ट क्या करता है, तो हार्ट का फंक्शन है बच्चों ब्लड को पंप करना, और लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स का फंक्शन है इसमें O2 को मिक्स करना, और O2 मिक्स होगा और इस प्रकार से बॉडी के अंदर परफ्यूजन चलता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि इसको लंग्स यदि अरेस्ट हैं तो इसको रिस्टोर करने का इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है? वेंटिलेटर। हार्ट को रिस्टोर करने का मोस्ट मेथड क्या है? इफेक्टिव है एईडी। लेकिन जब तक एईडी नहीं होगा तब तक बच्चों हम क्या करते हैं? सीपीआर। इसके लिए हम क्या करेंगे? वेंटिलेटर नहीं होगा तब तक रेस्क्यू ब्रीथ। क्या करेंगे? रेस्क्यू ब्रीथ। तो दोनों बात समझ में आ गई क्या? अब दोस्तों हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि जब कभी भी आप सीपीआर शुरू करो तो सीक्वेंस फॉलो करना सी ए बी। सबसे पहले सर्कुलेशन को रिस्टोर करना, फिर एयरवे को रिस्टोर करना, फिर ब्रीदिंग को रिस्टोर करना। ओके देखो कैसे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करेगा तभी लंग्स में ब्लड जाता है। अब यदि अगर हमने किसी क्लाइंट को O2 तो प्रॉपर पहुंचा दिया, अगर जैसे आप सिंपली जो सीक्वेंस फॉलो करते हो जनरल इमरजेंसीज के केस में वो क्या होता है? एबीसी होता है, पहले एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन।
तो पहले हम एयरवे को मेंटेन करते हैं, फिर ब्रीदिंग को, फिर सर्कुलेशन को। लेकिन एक पेशेंट जो कार्डियक अरेस्टेड हो चुका है, जिसका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है मींस क्या, लंग्स में ब्लड नहीं आ रहा है, इट मींस हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड, हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इन द लंग्स, लंग्स में ब्लड नहीं आ रहा है। और लंग्स में जब तक ब्लड नहीं आ रहा है तब तक चाहे पूरे लंग्स को आप ऑक्सीजन से भर देना, लेकिन वो ऑक्सीजन क्या बॉडी में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लंग्स में ब्लड तो पंप कर ही नहीं रहा है हार्ट। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी बच्चे, हार्ट को रिस्टोर करना, हार्ट को कंप्रेस करना। जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तभी लंग्स में ब्लड जाएगा, और जब लंग्स में ब्लड आएगा तब जाकर के आप यदि ब्रीदिंग दोगे तो वो जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन आप देंगे वो ऑक्सीजन लंग्स में से डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चला जाएगा। अब जब आप दो बार ब्रीदिंग देते हो तो लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन भर जाता है पेशेंट के। इस टोटल दो ब्रीदिंग में जितनी ऑक्सीजन आपने लंग्स के अंदर फिल किया है, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, इस पूरी O2 को कंज्यूम करने के लिए हम कितने कंप्रेशन करेंगे, लगभग हम 30 कंप्रेशन करेंगे। 30 कंप्रेशन जब आप करोगे तब जाकर के लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो जब तक हार्ट रिस्टोर नहीं होगा तब तक आप यदि अगर लंग्स को ऑक्सीजन से भर भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन तभी ट्रांसपोर्ट होगी बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स को, ब्रेन को, किडनी को, लीवर को, जब ब्लड सर्कुलेशन लंग्स में आ रहा हो। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट होने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी पर हमें हार्ट को रिस्टोर करना है, सर्कुलेशन को रिस्टोर करना है, फिर एयरवे को देखना है कि क्लियर है या नहीं है, फिर हमें ब्रीदिंग देना है। तो ये सीक्वेंस रखना है बच्चा, पहले सर्कुलेशन रिस्टोर करो, फिर एयरवे चेक करो ओपन है या नहीं है, फिर आप ब्रीदिंग देंगे। क्लियर हो गया है, अंडरस्टैंड गाइस? तो ये था आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का सीक्वेंस। अब हमारे पास जब पेशेंट आता है तो देखो हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो दोस्तों सबसे पहली प्रायोरिटी आपको क्या करना है, जैसे आपको कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट मिला, तो कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट मिला तो कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट में मैं पहले भी आपको दो बातें, तीन बातें सिखा चुका हूं। कार्डियक अरेस्टेड पेशेंट मिला तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि ये पेशेंट को अगर सबसे पहला रेस्पॉन्स क्या होगा, तो पहला रेस्पॉन्स क्या होगा यहां पर आपको मारना है, और मार के क्या कहना है, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, क्या कहना है, आर यू ओके। यदि अगर क्लाइंट रेस्पॉन्स कर देता है, क्लाइंट रेस्पॉन्स कर देता है तो आर यू ओके, ये आपका पहला, सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन होगा। तो पहला प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, आर यू ओके, आर यू ओके से क्या चेक करना चाहते हो आप चेक करना चाहते हो रेस्पॉन्सिवनेस। तो दोस्तों एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है और वो ये कह देता है कई बार कि फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होगा से द पेशेंट टू आर यू ओके, या फिर कभी कहता है चेक द रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे ही आप बोलोगे आर यू ओके तो दो कंडीशन मिलेगी आपको, या तो पेशेंट रेस्पॉन्स कर देगा या फिर पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करेगा। यदि पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्सिव है, तो पेशेंट कर देगा हाँ ऐसे कर देगा, रेस्पॉन्सिव है मींस कॉन्सियस है, कॉन्सियस है। यदि पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करता है मींस अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है, अनरेस्पॉन्सिव हो सकता है बच्चों। यदि अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है मींस अनकॉन्सियस है, यदि पेशेंट कॉन्सियस है रेस्पॉन्सिव है तो इसकी जान बचाई जा सकती है यदि इसको अर्जेंट केयर मिल जाए तो। पहले आप फोन करने में टाइम वेस्ट मत करना,
पहले क्या कर देना आप, शुरू सीपीआर शुरू कर देना, और सीपीआर के कितने साइकिल कंप्लीट करना है, 5 CPR साइकिल। 5 CPR साइकिल कंप्लीट करने के बाद यू नीड टू कॉल फॉर द रेस्क्यू। इसके बाद यदि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो पहले कॉल फॉर रेस्क्यू, रेस्क्यू के लिए इन्फॉर्म कर दीजिएगा, देन फिर यू स्टार्ट द सीपीआर, फिर आपको सीपीआर करना है। दोस्तों 5 साइकिल ऑफ सीपीआर, इट मीन सीपीआर का एक साइकिल का मीन्स क्या है, सीपीआर का 1 साइकिल मीन्स होता है 30 कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीदिंग, ये सीपीआर का 1 साइकिल है। सीपीआर के कितने साइकिल कंप्लीट करना है, 5 साइकिल कंप्लीट करना है। कितने, रेस्क्यू कॉल यही होता है 911, ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, सीपीआर कॉल सेंटर। ओके, तो जस्ट यू नीड टू कंप्लीट द 5 साइकिल, अंडरस्टैंड गाइस। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अब हम बात को आगे बढ़ा करके आपसे कह रहे हैं कि आपने कहा कि जस्ट रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर दिया, आपने रेस्पॉन्सिवनेस चेक किया, देन अब आपको बात आती है कि सीपीआर के बारे में कुछ बातें जानने की। तो सीपीआर के गाइडलाइंस या मैनुअर जानते हैं, मैनुअर्स, तो मैनुअर्स में हमारे पास 3 वैरायटी होती है। सबसे पहली वैरायटी हमारे पास है अडल्ट, दूसरी वैरायटी हमारे पास है दोस्तों चाइल्ड, तीसरी वैरायटी हमारे पास है इन्फेंट। दोस्तों अडल्ट्स के लिए सबसे पहले आप चेक करें पल्स, क्या चेक करो, पल्स। अडल्ट्स में कैरोटिड पल्स चेक करें, अडल्ट्स में कौन सी पल्स चेक करना है, कैरोटिड। बच्चों चिल्ड्रंस के केस में आपको फीमोरल पल्स चेक करना है, और यदि पेशेंट विक्टिम यदि इन्फेंट है तो फिर ब्रेकियल पल्स चेक करना है। ओके दोस्तों, इससे पहले एक और बात आप जान लीजिएगा, आप अडल्ट किसे बोल रहे हो, चाइल्ड किसे बोल रहे हो, इन्फेंट किसे बोल रहे हो। तो दोस्तों आप अडल्ट उसे बोल रहे हो जिसकी एज 8 ईयर से ज्यादा हो, आप चिल्ड्रन उसे बोल रहे हो जिसकी एज 1 ईयर से लेकर के 8 ईयर के बिटवीन हो, आप इन्फेंट उसे कह रहे हो जिसका एज 1 ईयर से कम हो। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वैरायटी हमने दे दी है, क्लियर है। अब दूसरी बात आती है कि सबसे पहला हमने किया पल्स चेक किया, पल्स चेक करने के बाद तो अडल्ट में कैरोटिड, चाइल्ड में फिमोरल और इन्फेंट्स में ब्रेकियल पल्स चेक करना है। अब क्वेश्चन आता है कि जस्ट पल्स कितने समय तक चेक करना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यूजुअली जो आपको एग्जाम में मिलेगा, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो सकता है दिल्ली एम्स का। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें वैल्यू में आंसर देना है 10 सेकंड, 10 सेकंड, कितने समय तक पल्स चेक करना है, 10 सेकंड। अंस्टेंट पल्स चेक करने का टाइम कितना होता है, तो पल्स चेक करने का टाइम 10 सेकंड है। लेकिन यदि दोस्तों 10 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, 10 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो कई बार एक ऑप्शन आ सकता है, स्टैंडर्ड एग्जाम में आएगा, उसको मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वाकिफ कर देता हूं। तो पल्स शुड नॉट बी नो मोर देन 5 सेकंड, इस बात को याद रखना आप। पल्स चेक करने में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, पल्स शुड नॉट बी चेक मोर देन 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा पल्स चेक नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये कहता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो आंसर करना है आपको वो 10 सेकंड करना है, ठीक है। लेकिन दिल्ली एम्स से देखो ये कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, ये अगर दिल्ली एम्स की नजर यहां पड़ गई वुगली के वीडियो पर,
तो वो ये वाला ऑप्शन दे देगा कि पल्स शुड नॉट बी नेवर चेक्ड मोर देन 5 मिनट। दिल्ली एम्स की नजर यदि नहीं पड़ी बुगली के वीडियो पर, बुगली की क्लासेस पर, तो फिर आंसर यही आएगा 10 सेकेंड। डिसाइड कर लिया पल्स। पल्स डिसाइड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें कंप्रेशन का मेथड चेक करना है। तो कंप्रेशन मेथड अडल्ट में 2 हैंड यूज करते हैं, अडल्ट के लिए 2 हैंड यूज करोगे बच्चों, इन्फेंट चाइल्ड के लिए 1 हैंड या फिर 2 हैंड यूज किए जा सकते हैं बच्चों। यदि अगर विक्टिम इन्फेंट है तो इन्फेंट्स के लिए कंप्रेशन करने के लिए फिंगर, 2 फिंगर या फिर 2 थंब का यूज किया जाता है, 2 फिंगर या 2 थंब का यूज किया जाता है। आपने डिसाइड कर लिया कैसे कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन कैसे करना है। कंप्रेशन मेथड डिसाइड होने के बाद अब आती है कंप्रेशन करने का लैंडमार्क। तो कंप्रेशन का लैंडमार्क, कंप्रेशन का लैंडमार्क अडल्ट्स में क्या होता है, तो अडल्ट्स में लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम सेंटर ऑफ द चेस्ट, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन बोथ निप्पल्स। तो अडल्ट्स में यहां पर कंप्रेशन करना होता है बच्चों। जहां अडल्ट में कंप्रेशन करते हैं वहीं पर चिल्ड्रन में सेम कंप्रेशन साइट होता है, लेकिन केवल नियोनेट्स के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ध्यान रखना, इन्फेंट्स में कंप्रेशन किया जाता है बिलो दी निप्पल लाइन, बिलो दी निप्पल लाइन, निप्पल लाइन के बिलो। कहां कंप्रेशन करना है, बिलो दी निप्पल लाइन। ठीक है बच्चों, अब आती है बात कंप्रेशन डेप्थ। कंप्रेशन डेप्थ कितना कंप्रेशन करना है, तो दोस्तों ध्यान रखना आप, कंप्रेशन डेप्थ, कंप्रेशन डेप्थ अडल्ट्स में होता है 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रंस में भी 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करना है। यदि विक्टिम यदि अगर इन्फेंट है तो ओनली 1.5 इंच या फिर 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा कंप्रेस नहीं करना है बच्चों। यदि अगर आपने ओवर कंप्रेस कर दिया, ओवर कंप्रेस कर दिया, ज्यादा कंप्रेस कर दिया, तो लीवर रप्चर हो जाएगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन रप्चर होता है, लीवर रप्चर हो जाता है। यदि दोस्तों आपने इफेक्टिवली कंप्रेशन नहीं किया तो सीपीआर का प्रॉपर इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कंप्रेशन हमेशा हार्ड एंड फास्ट किया जाता है, तो कंप्रेशन मेथड भी ध्यान रखना, कंप्रेशन करना है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन करना है और चेस्ट को वापस से पूरा ऊपर तक आने देना है, यानी कंप्लीट रिकॉइल होने देना है। तो हार्ड एंड फास्ट करना है और दूसरी बात ध्यान रखना, कंप्लीट रिकॉइल भी होने देना है। तो कंप्लीट रिकॉइल हो तब तक मैनली करें, और कंप्रेशन रेट क्या रखोगे, कंप्रेशन रेट 100 कंप्रेशन करना है, चाहे विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे से हो हमारे पास चाइल्ड, और या फिर हो बच्चा हमारे पास, या फिर विक्टिम हमारा कौन सा हो, या फिर विक्टिम हो इन्फेंट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात आगे बढ़ाते हैं, अब आ जाइएगा क्वेश्चंस पर, पहले बता ही चुका हूं बाकी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है अब आपके पास। ऑन फाइंडिंग अ चाइल्ड हु इज नॉट ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट। जो मैंने पहला सैंपल क्वेश्चन आपको सोल्व कराया था वो ही सेम क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया है मैंने, और इसीलिए आपको
आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट किया है कि देखें आप कितना ध्यान से, कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो। अब जवाब दो आप, एक तो जवाब आपने पहले दिया था और अब एक आप जवाब दें वापस से। ऑन फाइंडिंग अ चाइल्ड हु इज नॉट ब्रीदिंग, शाबाश दोस्तों, 100% बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया। एक ही क्लास में, एक ही बार में 100% आ गया है, यही मेरा विश्वास है, यही मेरा सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। एक ही बार में 100% दोस्तों का सही आंसर आ गया है। और सही आंसर क्या होगा, आप क्लियर द एयरवे। ये क्वेश्चन मैं पहले ही सोल्व करा चुका हूं। आई ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को पहले ही सोल्व करवा चुका हूं इन स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर, लेक्चर की शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग रेट शुड द नर्स यूज व्हेन परफॉर्मिंग द रेस्क्यू ब्रीदिंग ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन फॉर 5-year-old चाइल्ड। 5 साल के बच्चे के लिए कितनी रेस्क्यू ब्रीदिंग की जरूरत है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग रेट शुड द नर्स यूज व्हेन परफॉर्मिंग द रेस्क्यू ब्रीदिंग, रेस्क्यू ब्रीदिंग परफॉर्म करते समय कितना रेस्क्यू ब्रीदिंग आपको करना है। आंसर प्लीज, हाउ मेनी रेस्क्यू ब्रीदिंग यू नीड टू डू। फाइव ईयर चाइल्ड के लिए रेस्क्यू ब्रीदिंग का रेट रखना है आपको 10 breaths per minute। कितना? 10 breaths per minute। अंडरस्टैंड गाइस, तो 10 breaths per minute की रेट से हम रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। कितना देंगे? 10 breaths per minute। ओके बच्चा, क्लियर है? सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। 10 breaths, अरे कंफ्यूज मत होइए, ब्रीदिंग पूछ रहे हैं हम, रेस्क्यू ब्रीदिंग, कंप्रेशन नहीं पूछ रहे हैं, रेस्क्यू ब्रीदिंग पूछ रहे हैं। तो रेस्क्यू ब्रीदिंग कितना देना होता है? 10 breaths per minute। क्वेश्चन नंबर 10, द नर्स बिगिन सीपीआर ऑन अ 5-year-old अनरेस्पॉन्सिव क्लाइंट व्हेन द इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम अराइव द नर्स द चाइल्ड कंटिन्यू टू हैव अ रेस्पिरेटरी एफर्ट बट हैज अ हार्ट रेट ऑफ 50 with cyanotic leg, the team should next action क्या होगा? Very good, शाबाश। And right answer होगा बच्चा, begin 2% CPR at ratio of 2 breathing to 15 कंप्रेशन। अब केवल मेरा क्वेश्चन सोल्व कराने का पर्पस है, मेन जितनी भी बातें थी वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जो हम मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो देखिए, बिगिंस 2% सीपीआर एट द रेशियो ऑफ 2 breath of 2 15 कंप्रेशन, तो राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्ट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम द नर्स टीचेस अ ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स सीपीआर। The nurse determined that the teaching had been effective when a parent stayed. Parents को CPR के बारे में आप teaching दे रहे हो, parent ने ऐसा क्या कहा कि आपको ये लगा, आपको ये समझ में आ गया कि इनको effectively teaching समझ में आ चुका है। तो which statement have parent said that you understand that the teaching is had been effective? So right answer, what is your right answer in question number 11? क्या कहा? So in this question, the patient is giving a statement number 3. This is the right answer, guys. I should deliver chest compression at the rate of 100 per minute. So parents ne kya kaha ki mujhe
100 कंप्रेशन पर मिनट की रेट से चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ेगा. दैट इज द इफेक्टिव आंसर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल को जांचने का ये सबसे बेटर स्टेटमेंट है. जो पेरेंट्स ने कहा है कि मुझे 100 कंप्रेशन पर मिनट की रेट से चेस्ट कंप्रेशन करना है, तो दैट इज अ बेटर एविडेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द CPR इन द पेरेंट्स. सो राइट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 12. When performing the cardiopulmonary resuscitation, which of the following indicate that externus को जांचने के लिए which is the most effective method? Indicator पूछा जा रहा है, best indicator आपसे पूछा जा रहा है. तो दोस्तों मेरे साथ एक बार आप बोलिए ध्यान से, हर हर बुगली घर घर बुगली. दोस्तों एक बार नारा लगा दो, बस जोश पूरा बढ़ जाना चाहिए वापस से. हर हर बुगली घर घर बुगली. मैं भी बुगली, तू भी बुगली, ये दुनिया सारी बुगली. ये सुनो, इस दुनिया में हर नर्सिंग ऑफिसर बुगली है. हर हर बुगली घर घर बुगली. आंसर तो आपने कर दिया है, तो एक बार जोरदार ताकत के साथ लगा दो मेरे साथ, हर हर बुगली घर घर बुगली. मजा आ जाए फिर उसके बाद. वेरी गुड, गजब गजब, मजा आ गया मजा आ गया. हर हर बुगली घर घर बुगली, मजा आ गया साहब. वेरी बेस्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आनंद आ गया. तो बेस्ट वे टू डिटरमाइन द बेस्ट इंडिकेटर, तो बच्चों बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? पाल्पेबल पेरिफेरल पल्स. पेरिफेरल पल्स, पेरिफेरल पल्स को, पेरिफेरल पल्स को डिटरमाइन करना, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर. व्हेन परफॉर्मिंग द CPR, CPR परफॉर्म करते समय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन आर इफेक्टिव. एक्सटर्नल, जब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्या है, ड्यूरिंग रनिंग प्रोसेस ऑफ CPR. तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, आंसर बदलेगा फ्यूचर में. ड्यूरिंग रनिंग प्रोसेस ऑफ CPR, CPR की रनिंग प्रोसेस के दौरान यदि अगर हमसे पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर फॉर द कंप्रेशन आर इफेक्टिव, तो आंसर जाएगा पाल्पेबल पेरिफेरल पल्स. पाल्पेबल पेरिफेरल पल्स, पाल्पेबल पेरिफेरल पल्स. अंडरस्टैंड गाइस? पाल्पेबल पेरिफेरल पल्स, अंडरस्टैंड? एक बार लिख के बताओ कि कितना समझ में आया आज आपको टॉपिक. आपको कितना समझ में आया है टॉपिक, अब लिख के बताओ मुझे कि कितना समझ में आया है आपको. क्या बेस्ट समझ में आया, एवरेज आया, कम आया, या अच्छा नहीं आया, या एक्सीलेंट टीचिंग रही? कैसा रहा आज का लेक्चर, इसके बारे में भी बताओ आप. पाल्पेबल पल्स, पेरिफेरल पाल्पेबल पल्स, पेरिफेरल पाल्पेबल पल्स, दैट इज अ बेस्ट इफेक्टिव वे. आगे आंसर, सो द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13. अ नर्स वॉक इनटू द रूम जस्ट एज अ 10 मंथ ओल्ड इन्फेंट प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन हिज माउथ. क्या कहा? प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन हिज माउथ एंड स्टार्ट टू चॉक. और धीरे धीरे बच्चे के माउथ में चॉकिंग होने लग गया. After opening the infant mouth, which of the following should the nurse do next to clear the airway? Use blind finger sweep, deliver back slap and chest thrust, apply the 4 subdiaphragmatic abdominal thrust, attempt to visualize the object. Answer bhi do ab. Answer dekhe batayega, answer dijiye, question aapki screen par samne hai.
वेरी गुड, शाबाश। पुराने लेक्चर्स को भी रिव्यू करते रहो, पुराने लेक्चर्स को रिव्यू करते रहो, बार बार उनको देखते रहो, पढ़ते रहो। पूरी प्रिपरेशन, इमेज बेसिस वाले लेक्चर्स को भी रिव्यू करते रहो, टाइम टेबल बना करके। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या कह रहा है कि नर्स वॉक इनटू द क्लाइंट्स रूम, जस्ट रूम, 10 मंथ का बच्चा है, ऑब्जेक्ट माउथ में इसने लिया हुआ है, जिससे क्या हो गया, चॉकिंग हो गया है। आफ्टर ओपनिंग द इन्फेंट माउथ, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू द नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये जो बच्चा है ये अभी 10 मंथ का बेबी है, 10 मंथ का बेबी है। बच्चों ध्यान से देखना, आप 10 मंथ के बेबी को एयरवे चोक हो रहा है। यदि अगर 10 मंथ के बेबी का एयरवे चोक हो जाए, क्या हो जाए, 10 मंथ के बेबी का एयरवे चोक हो जाए, तो क्या करना होता है हमें। सबसे पहले ये है अपनी पाम, पाम के ऊपर इसको क्या करना है, इसको प्रोन पोजीशन में लेटाना है, पाम में प्रोन पोजीशन में लेटाना है। अभी जो ये पोजीशन में मैंने लेटा रखा है, ये सही नहीं है, दैट इज अ रोंग रोंग पोजीशन। हमें क्या करना होता है, लेग्स लेग्स अपवर्ड रहेंगे और पाम पर इस तरह से बेबी को लेटाना है। देखो ये, दैट इज द राइट पोजिशन, दैट इज द राइट पोजिशन। हेड और ट्रंक शुड बी लोअर देन द लेग्स। क्या कह रहा हूं मैं, हेड और ट्रंक शुड बी लोअर देन द लेग्स। हेड और ट्रंक लेग्स की तुलना में लोअर पोजिशन में रहने चाहिए। हेड और ट्रंक शुड बी लोअर देन द लेग्स। देन दोनों स्केपुला देखिए, दोनों शोल्डर ब्लेड स्केपुला है, दोनों शोल्डर ब्लेड और स्केपुला के बीच में, दोनों शोल्डर ब्लेड और स्केपुला के बीच में आपको 5 बार बैक स्लैप करना है। 1 2 3 4 5, 5 बैक स्लैप किए। देन पेशेंट को अब घुमा लो, आप वापिस से पेशेंट को घुमा के अब सुपाइन कर लिया आपने। सुपाइन करने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चा, सुपाइन करने के बाद अब इसको 5 चेस्ट थ्रस्ट करने हैं। 1 2 3 4 5, 5 चेस्ट थ्रस्ट किससे करना है, ये गलत मेथड था अभी जो मैंने ऐसे किया है, ऐसे नहीं किया जाता है। किससे करना है, हील ऑफ द पाम, ये पाम का हील वाला पार्ट, इससे 1 2 3 4 5, इससे ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। इस तरीके से एक इन्फेंट्स में जस्ट आपको एयरवे क्लियर करना होता है। तो सीख गए दोस्तों, सबसे पहले इन्फेंट को प्रोन पोजीशन में लेना है, हेड और इसका ट्रंक लोअर होना चाहिए लेग्स की तुलना में। देन इसके 5 बैक स्लिप करना है, दोनों शोल्डर स्केपुला के बिटवीन। देन फिर आप इसको सुपाइन करेंगे, सुपाइन करके फिर आपको क्या करना है, सुपाइन करके और बीचों बीच में सेंटर ऑफ द चेस्ट पे, स्टर्नम वाले एरिया पे, तो आपको क्या करना है, आपके पाम की हील से 5 थ्रस्ट करना है। 5 थ्रस्ट यू नीड टू डू दिस, और इस प्रकार से ऑब्जेक्ट एयरवे से बाहर आ जाएगा पाम से। ओके, क्लियर हो गया है दोस्तों, ऐसे मेनली एयरवे को ओपन करना है। तो क्या कहें, यहां पर जो कंडीशन है उसमें डिलीवर बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट, बैक स्लैप करें देन चेस्ट थ्रस्ट करें, सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, When preferring to deliver the back slap to an infant who is choking off on a foreign body, in which of the following position should the nurse position the infant? अभी जो मैंने सिखाया है उसी से रिलीवेंट क्वेश्चन वापिस आया है, चलो इसका आंसर आप ही को देना है। क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने पढ़ाया है लास्ट क्वेश्चन के अंदर। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हेड डाउन एंड लोअर देन द ट्रंक, हेड डाउन एंड लोअर देन द ट्रंक। ठीक है, राइट आंसर इज ए, क्लियर है गाइस, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है और काफी बड़ा क्वेश्चन है। 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड रैपिड रेस्पॉन्स टीम हैज बीन पेज्ड। द नर्स अराइव इन द क्लाइंट रूम एंड ऑब्जर्व अ फिजिशियन असिस्टेंट
administer CPR to an infant. See the figure. To assist the physician assistant with CPR, the nurse should tell the physician assistant to use the heel of the hand on the infant sternum. क्या करना है? तो which is the right answer in question number 15? सिक्स मंथ ओल्ड इन्फेंट है जिसको क्या हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी आ चुकी है. द नर्स अराइव इन द क्लाइंट रूम, आप क्लाइंट के रूम में गए एंड ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया फिजिशियन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रिंग द सीपीआर. फिजिशियन क्या कर रहा है? सीपीआर कर रहा है टू द इन्फेंट. टू असिस्ट द फिजिशियन विद सीपीआर, सीपीआर में फिजिशियन को असिस्ट करने के लिए द नर्स शुड, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है दोस्तों? आपने क्या देखा? आप रूम में गए, चलो मैं बताता हूं. आप रूम में गए आपने जाके देखा कि फिजिशियन क्या कर रहा है? सीपीआर कर रहा है. सीपीआर शुरू कर दिया, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया है. आपके अंदर आईक्यू क्या कहता है? कॉमन सेंस क्या कहता है आपका? क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहला कह रहा है प्लेस ऑन हैंड ऑफ द इन्फेंट स्टर्नम टू द चेस्ट कंप्रेशन व्हाइल फिजिशियन वेंटिलेट द लंग एट द रेट ऑफ द. आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बीच में कुछ नहीं करना है, आपको उंगली नहीं करनी है, राइट? ध्यान रखना. देखो क्या किया जा रहा है बेटा, देखो सिचुएशन को समझो. आप क्लाइंट के रूम में गए, 5-6 मंथ का बच्चा है जिसको कार्डियक अरेस्ट है, 6 मंथ के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट है. आप क्लाइंट के रूम में गए, रूम में जाते ही आपने क्या देखा कि फिजिशियन क्या करने शुरू कर दिया? फिजिशियन ने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया है. अब आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया तो इसके बाद ही फिजिशियन को रेस्पिरेटरी को रिससिटेट करने की जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर बाद ही. अब पेशेंट हॉस्पिटल में है चूंकि, तो हॉस्पिटल में है तो फिर आप माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज तो ब्रीथ नहीं देंगे ना. अगर हॉस्पिटल में है तो माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज ब्रीथ देने की जरूरत नहीं है. तो वहां पे तो आपके पास सारे संसाधन है, तो फिर आप क्या करो बच्चे, वहां पे तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्पिटल में है क्योंकि पेशेंट, इसलिए क्या करो वहां पर एम्बू बैग लेके आओ फटाफट. आपको पता होना चाहिए कि अब इसके बाद ही फिजिशियन ने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिए, अब इसके बाद ही फिजिशियन को अभी थोड़ी देर बाद ही ब्रीदिंग रेस्क्यू ब्रीथ देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एम्बू बैग की आवश्यकता पड़ेगी. तो आपको क्या करना है, पहले से ही वहां से उठा करके एम्बू बैग लेके आ जाना है और क्या शुरू कर देना है, क्या कर देना है, ऑब्टेन एन एम्बू बैग एंड गिव ब्रीथ एट द रेट ऑफ 2 breath per 15 compression. फिजिशियन ने 15 कंप्रेशन करते ही 2 बार ब्रीथ दे दो. फिजिशियन ने 15 कंप्रेशन कर दिया, 2 breath दे दो. क्यों? क्योंकि चाइल्ड बच्चा क्या है, 6 month old है, 1 साल से कम एज का है, 1 year से कम एज का है. अंडरस्टैंड? इसलिए रेट क्या रखना है, रेट क्या रखना है, 15:2. तो कितनी ब्रीथ देनी है? 2 देनी है. हॉस्पिटल में है इसलिए किसका यूज करना है, एम्बू बैग का यूज करना है. किसका यूज करना है? एम्बू बैग का यूज करना है. क्लियर हो गया है? बात समझ गए क्या बच्चों? बात समझ गए ना? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है. केवल आपसे ये कहा कि बच्चा अरेस्ट हो चुका है, हॉस्पिटल में है, 6 महीने का है, ये सारे डाटा के बेस पे डिसाइड करना है फाइनल आंसर. 6 महीने का है इसलिए रेट पता होनी चाहिए कि 15:2 की रेट में करेंगे 15:2. फिर हमने कहा कार्डियक अरेस्टेड है, कार्डियक अरेस्टेड है तो फिर सीपीआर ही करना पड़ेगा, कार्डियो और पल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा. Response team, the nurse arrive in the client room and observe the physician assistant. CPR शुरू कर दिया है, तो CPR compression शुरू कर दिया है, इसके बाद ही क्या जरूरत पड़ेगी, इसके बाद ही जरूरत होगी बच्चों respiration को rescue करने का. इसलिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत जा करके और एम्बू बैग लेके आ जाना है. तो ये देख रहे हैं आप, ये एम्बू बैग होता है. क्वेश्चन नंबर 16, When teaching the parent of an infant how to perform the back slap to dislodge a foreign body, which of the following should the nurse tell the parent to use to deliver the blow? Palm of hand, heel of hand, finger of hand and entire hand. क्या use करते हैं? किसके लिए? Back slap के लिए. Back slap के लिए क्या use किया जाता है? Palm, heel या fingertip या entire hand? Question number 16. What is your right answer?
वर्ड यू विल यूज, बैक स्लैप करने के लिए हील ऑफ द हैंड यूज किया जाता है, क्या यूज करते हैं, हील ऑफ हैंड, बताया था ना अभी मैंने, यू विल नीड टू यूज द हील ऑफ हैंड, क्लियर है, तो हील ऑफ हैंड यूज करना है, सो राइट आंसर इज सेकेंड. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाइल द नर्स इज डिलीवरिंग द एब्डोमिनल थ्रस्ट टू अ 6-year-old हु इज चोकिंग ऑफ एन इन्फेंट बॉडी फॉरन बॉडी द चाइल्ड बिगिन टू क्राई, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है डिलीवरिंग द एब्डोमिनल थ्रस्ट, एब्डोमिनल थ्रस्ट डिलीवर कर रहे हैं, 6 साल का बच्चा है, 8 साल से कम एज का है, 8 ईयर से कम है, यानी कि क्या है, चाइल्ड है, चोकिंग विद अ फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी से चोक हो चुका था, बट चाइल्ड बिगिन टू क्राई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है, बच्चों रोना शुरू कर दिया है, चोकिंग जस्ट क्राई, यदि क्राई की साउंड यदि आ गया है, मीन्स क्या समझे, क्राई आने का मीन्स एयरवे, एयरवे हैज क्लियर्ड, एयरवे क्लियर हो चुका है, फॉलोइंग शुड द नर्स डू नेक्स्ट, टैप जेंटली शेक द शोल्डर, डिलीवर बैक स्लैप, परफॉर्म ए ब्लाइंड फिंगर स्वैप ऑफ द माउथ, ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली. दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजनल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, देखो टेप जेंटली शेक द शोल्डर, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, डिलीवर बैक स्लैप, बैक स्लैप कब डिलीवर करते हैं, जब अभी एयरवे क्लियर नहीं हुआ हो. जब ऑलरेडी यदि अगर बच्चा क्राई करने लगा, बच्चा क्राई करने लग चुका है, क्राई कर रहा है, तो क्राई का आवाज तभी आएगा जब एयरवे क्लियर हो गया है. अगर एयरवे चोक हो रहा है तो क्राई वाला साउंड आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और जब तक एयरवे चोक होता है तभी जाकर के बैक स्लैप किया जाता है दोस्तों, अन्यथा बैक स्लैप की कोई आवश्यकता नहीं है. अभी बैक स्लैप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी क्लियर कर दी एग्जामिनर ने, क्या क्लियर कर दिया, कि बच्चे ने क्राई करना शुरू कर दिया है, बच्चे ने क्राइंग शुरू कर दिया है, क्राइंग शुरू कर दिया है मींस आपको समझना पड़ेगा कि एयरवे क्लियर हो चुका है, और जब एयरवे क्लियर हो चुका है तो उसके बाद बैक स्लैप का क्या इंपॉर्टेंस भाई, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी सही नहीं होगा. थर्ड में परफॉर्म अ ब्लाइंड फिंगर स्वाइप टू द माउथ, माउथ में ब्लाइंड फिंगर कभी भी नहीं डालनी चाहिए, अगर एयरवे को ओपन करने के लिए माउथ में ऐसे करके ब्लाइंड फिंगर नहीं डालना है, ब्लाइंड फिंगर डालोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट और अंदर चला जाएगा और सीवियरली एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लाइंड फिंगर स्वीप कभी भी नहीं करना है. तो परफॉर्म अ ब्लाइंड फिंगर स्वीप ऑफ द माउथ, सो द रॉन्ग आंसर, ओनली इन दिस कंडीशन यू नीड टू ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली, केवल चाइल्ड को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, इसके अलावा और कोई भी आवश्यकता नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करिए. द नर्स ऑब्जर्व एन 18-year-old ओल्ड हु हैज बीन एडमिटेड विद अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. द नर्स शुड फर्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बच्चा है, अट्ठारह महीने का बच्चा है, 18 month एज वाला बच्चा है, इसको हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो उसको लिए, उसको कहां पर रखोगे आप, क्राउप टेंट के अंदर रखना है, कहां रखना है, प्लेस द चाइल्ड इन क्राउप टेंट, प्लेस द चाइल्ड इन क्राउप टेंट, और दिस डायग्राम इज द क्राउप टेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये क्राउप टेंट कहलाता है, और हो सकता है दैट इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में ये आपको एक क्वेश्चन सही करवा दे, दैट इज क्राउप टेंट, क्राउप टेंट, क्राउप टेंट कौन से बच्चों को इंडिकेटेड होता है, दे हैव द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो यदि मैं रिवर्स क्वेश्चन यहां से पुटअप करूं तो रिवर्स क्वेश्चन क्या बनेगा, क्राउप टेंट इज इंडिकेटेड फॉर इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर मैं सीधा जैसा क्वेश्चन लेके आया हूं वैसा बोल रहा हूं कि जस्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वी इंडिकेट द प्लेस द चाइल्ड इन क्राउप टेंट. थर्ड क्वेश्चन बनेगा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग
आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन। O2 एडमिनिस्ट्रेशन के इस मेथड का नाम बताइए, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेथड कहलाता है क्राउप टेंट। कौन सा? क्राउप टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर। सीपीआर की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने का मोस्ट इफेक्टिव वे, पल्स रेस्पिरेशन, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स और रिदम ऑफ हार्ट। अब बच्चों यहां पर आप सब गलत आंसर दोगे, ये मेरा पूरा आपसे चैलेंज है। आपको मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप में से बहुत ही कम बच्चे सही कर पाएंगे, बहुत कम, बहुत ही कम बच्चे सही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में यदि अगर आता है तो आप में से जो मेरा जो अनुभव है ना वो मैं बताता हूं, आप में से केवल वही बच्चा सही करेगा जो मुझसे पढ़ता है इंस्टीट्यूट पर, बाकी आप में से मोस्टली गलत करोगे। क्यों करोगे? 90% बच्चा इसका गलत जवाब देगा, केवल 10% बच्चा सही जवाब देगा इसका, 10% भी मुझे नहीं लगता है सही जवाब देगा, अभी तक तो एक का भी सही जवाब नहीं आया। देखो अब मैं सोल्व करवा देता हूं, अब सोल्व करवाता हूं बच्चा। मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इफेक्टिव वे। अब यदि अगर क्वेश्चन पूछता मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर, कि जस्ट अगर क्वेश्चन किया जाता ड्यूरिंग सीपीआर, यदि क्वेश्चन होता ड्यूरिंग CPR, what is the best indicator for effectiveness of success of CPR। बच्चों ध्यान से देखना, यदि अगर हमसे ये वाला प्रश्न पूछते तो श्योर वही आंसर होता जो आप लोग आंसर दे रहे हो कि ड्यूरिंग सीपीआर व्हाट इज द बेस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर फॉर द सक्सेस ऑफ सीपीआर। सीपीआर की सक्सेस का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? सीपीआर का इंडिकेटर कब? ड्यूरिंग सीपीआर। तो बिल्कुल श्योर आपका आंसर वही होता जो आप दे रहे हो, पल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? पल्स। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर। सीपीआर की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए आप आंखों पर लाइट डालना, और लाइट डालने के बाद यदि प्यूपिलरी रेस्पॉन्स आ जाता है तो दिस इज द वेरी बेस्ट इंडिकेटर, जस्ट बेस्ट इंडिकेटर टू डिफाइन द डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर। सो द राइट आंसर इज प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। क्या होगा? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। सीपीआर की सक्सेस को जांचने का बेस्ट इफेक्टिव वे होता है प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। अंडरस्टैंड गाइस? यदि ड्यूरिंग सीपीआर विच इज द बेस्ट इफेक्टिव वे टू डिटरमाइन द इंडिकेटर फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ सक्सेस ऑफ सीपीआर, देन आंसर होता पल्स। यदि अगर कहें कि जस्ट द पेशेंट नीड फॉर द रेस्क्यू ब्रीदिंग की नीड है या नहीं है, तो फिर आप चेक करो उसका ब्रीदिंग रेट चेक करो। ये सबसे बेस्ट है रेस्क्यू ब्रीद की नीड को डिटरमाइन करने का। किसी को कहा जाए कि जस्ट द पेशेंट नीड चेस्ट कंप्रेशन और नॉट, पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन की जरूरत है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपको डिटरमाइन करना है वो क्या है? पल्स, कैरोटिड पल्स, ओके, या सीपीआर की सक्सेस, तो कैरोटिड पल्स, या ड्यूरिंग सीपीआर विच इज द बेस्ट इंडिकेटर, तो आंसर होगा बच्चा पल्स।
यदि क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट इफेक्टिव वे, सबसे इफेक्टिव तरीका पूछ रहे हैं यहां पर, सबसे इफेक्टिव तरीका पूछा जा रहा है, तो मोस्ट इफेक्टिव वे इज द प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मे बी द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द चेस्ट कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन के कारण रप्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन में लीवर रप्चर होता है। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, मेरी डिक्शनरी में ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं बच्चों, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे ज्यादा सिंपल क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है कि अगर मान लो सीपीआर जो आपने किया है उसकी कारण क्या हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन रप्चर हो सकते हैं। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वी शुड स्टॉप द सीपीआर, व्हेन वी शुड स्टॉप द सीपीआर, एमआरक्यू क्वेश्चन है ये, हमें सीपीआर कब स्टॉप कर देना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर भी, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करो बच्चों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किसका आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर मेंशन करो साथ के साथ ही, आप आंसर किसका कर रहे हो ये मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करिए साथ के साथ। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीपीआर को कब स्टॉप कर देना चाहिए, व्हेन वी स्टॉप द सीपीआर। 21 में क्या दे रहे हो आप, एमआरक्यू है, एमआरक्यू 1 2 3 4 5, क्या आंसर कर रहे हो। देखो बच्चों अब मैं सोल्व करवाता हूं, सीपीआर कब कब बंद किया जाता है, मैंने तो ये आपसे जबरदस्ती पूछा था और आपका चेक कर रहा था मैं तो कि आप सब कितने अलर्ट देखे। एमआरक्यू क्वेश्चन तो है लेकिन इसमें बच्चों ध्यान रखना ऑप्शन पांचों ही सही है, पांचों ऑप्शन सही है। मैंने ये क्वेश्चन केवल आपको डिस्प्ले करने के पर्पज से और आपकी कंसंट्रेशन को चेक करने के पर्पज से दिया था, पूरे पांचों सही है। सीपीआर इन पांच कंडीशंस में स्टॉप कर देना चाहिए, सीपीआर को इन पांचों कंडीशंस में स्टॉप कर देना चाहिए, कौन कौन सी, पल्स और रेस्पिरेशन रिटर्न हो जाए, यदि पेशेंट की पल्स आ गई हो, रेस्पिरेशन करने लग गया हो, फिर उसके बाद उसको सीपीआर मत देना, मर जाएगा वो अगेन वापिस से। तो सीपीआर कब बंद कर देना है, जब पल्स और रेस्पिरेशन वापिस आ गया हो। दूसरा, इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ टीम अराइव, अरे भाई रेस्क्यू टीम आ गई, जो एक्सपर्ट लोग हैं सीपीआर में, सीपीआर में जो एक्सपर्ट लोग हैं रेस्क्यू टीम है वो आ गए हैं और वो आकर के खड़े हो गए और पता चला आप उधर सीपीआर दे रहे हो। अरे भाई जब एक्सपर्ट आ जाए ना तब हमें साइड में हट जाना चाहिए, क्लियर हो गया है। तो जब हमें सीपीआर बंद कर देना है, हट जाना है, अब वो संभाल लेंगे, जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आए तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप संभालो, ठीक है। तो ये वाला भी सही है। एडी एडमिनिस्टर, अरे जब किसी को डिफिब्रिलेशन दिया जा रहा हो, एडी दिया जा रहा हो, तब भी सीपीआर को बंद करना होता है, ठीक है। फिजिशियन डिक्लेयर द विक्टिम डिजीज्ड, फिजिशियन ने ही डिक्लेयर कर दिया है कि विक्टिम की डेथ हो चुकी है, अब आप सुपर फिजिशियन मत बनना। अगर फिजिशियन ने डिक्लेयर कर दिया तो आप सुपर फिजिशियन मत बनना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई पेशेंट की डेथ हो गई है, अब इसको सीपीआर नहीं देना है, तो इस कंडीशन में भी सीपीआर बंद कर देना चाहिए। इफ रेस्क्यू एग्जॉस्टेड, या फिर अगर आप बहुत थक चुके हो तो जरूरी नहीं है कि आप सीपीआर करते रहो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत टायर्ड हो चुके हो, तो भी आप सीपीआर स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आप जो सीपीआर दे रहे हो वो इफेक्टिव सीपीआर नहीं है, क्योंकि उससे ना तो आपको फायदा हो रहा है और ना पेशेंट को कोई बेनिफिट हो रहा है, इसलिए जब एग्जॉस्ट हो जाए तब भी सीपीआर स्टॉप कर दिया जाता है। सो टोटल 5 ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर, दीज आर 5 कंडीशन, इन 5 कंडीशंस में सीपीआर को स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22, विच फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट दैट कार्डियक कंप्रेशन कैन बी डिसकंटिन्यू, बेस्ट इंडिकेट्स क्या पूछा जा रहा है, बेस्ट इंडिकेट्स दैट कार्डियक कंप्रेशन कैन बी डिसकंटिन्यू, तो आंसर वही होगा, पल्स कैन बी पाल्पेटेड, पेरीफेरल पल्स यदि आ गया हो,
पेरिफेरल पल्स यदि रिटर्न हो गया हो तो सीपीआर डिसकंटिन्यू कर देना है, पल्स रिटर्न हो चुका हो। ठीक है, आफ्टर द क्लाइंट हैड बीन सक्सेसफुली रिससिटेटेड बाय द नर्स, विच बॉडी पोजिशन इज मोस्ट करेक्ट वाइल अवेटिंग ट्रांसफर टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को ट्रांसफर करते समय कौन सी पोजिशन बेस्ट होती है? आंसर करिए, आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन सक्सेसफुली रिससिटेटेड बाय द नर्स, विच बॉडी पोजिशन इज मोस्ट करेक्ट वाइल सक्सेसफुली रिससिटेट हो चुका है, आप पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, तो ट्रांसफर करते समय बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा? ऑन द साइड अपर नी फ्लेक्स्ड, ऑन द साइड अपर नी फ्लेक्स्ड। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि एस्पायरेटेड कंटेंट जो हो रहा है, एस्पायरेटेड जो कंटेंट है, ये कंटेंट बाहर माउथ से बाहर ड्रेन हो सके, यानी कहीं एस्पायरेट ना हो जाए, इसलिए बेस्ट सुटेबल पोजीशन होगा साइड अपर नी फ्लेक्स्ड, और अपर नी फ्लेक्स होने चाहिए, नी फ्लेक्स होने चाहिए और साइड लाइन पोजीशन देना है ताकि फ्लूड के सिक्रेशन जो है वो बाहर आ सके। सो राइट आंसर इज बी। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, As the client is being transported to the hospital, an observer comment, I have had no training in the CPR, so I have not able to help. Having heard the observer comment, which statement by the nurse would be most helpful for an untrained individual to remember if a trained individual is not present? आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करके बताना है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अनट्रेंड, अनट्रेंड पर्सन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट इंस्ट्रक्शन है जो आपको देना है, पढ़ लो आराम से। शाबाश, और सबका आंसर आ चुका है, सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हेन द क्लाइंट इज बिगिन ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल, ऑब्जर्वर कमेंट, ऑब्जर्वर ने कहा I have had no training in the CPR. मुझे CPR करना नहीं आता है. Having heard the observer comment, which statement by the nurse, which statement would be most helpful? अब जैसे ही observer ने कहा कि भाई मुझे नहीं आता है CPR करना, तो आपका क्या response होगा, आपका reply क्या होगा? तो आपका reply होगा कि नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, जब तक कोई expert व्यक्ति नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है, बिगिन द चेस्ट कंप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, प्रेसिंग डाउन 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। आपको ये कहना है आप तो चेस्ट कंप्रेशन करना शुरू कर दो, कहां पर, सेंटर ऑफ चेस्ट पे, कितना, 2 इंच तक या 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, वाओ इट इज वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यस और नो? दोस्तों टुडे आवर लेक्चर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि इस आज के लेक्चर के बाद सीपीआर आपको जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कभी भी कोई सीपीआर, कोई भी एग्जाम देना, अब आप चाहे से कोई भी एग्जाम देना, इस सीपीआर इस वाले लेक्चर को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लिया जिसने, उसको कोई सीपीआर कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी इसके अलावा कोई भी एग्जाम कभी भी इन क्वेश्चंस में से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपसे आज चलिएगा, तो आप मुझे लिख के बताइएगा कि आज का लेक्चर कितना इफेक्टिव रहा और कितना बेस्ट रहा, और इससे आपको कितना समझ में आया दोस्तों, ये मुझे लिख करके बताइएगा जल्दी से। आप 437 बच्चे लाइव हो, और 437 बच्चे ही मैं चाहता हूं दोस्तों मेरी वीडियो पर कमेंट लिख करके जाना लास्ट में, पूरे 437 लाइव चैटिंग में तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन वीडियो पर कमेंट लिखना ताकि मुझे वो बाद में भी पढ़ने में मिले, यानी कि मैं बाद में भी उसको पढ़ सकूं। तो पूरे 400
24 बच्चे जो अभी लाइव हैं, 424 बच्चे ही पूरा लिख कर बताना कि आज का लेक्चर कितना बेस्ट रहा और इससे आपको कितना समझ में आया। तो चलिएगा दोस्तों, चलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, हर हर बुगली, घर घर बुगली, लव यू ऑल माई बुगली फैंस, थैंक यू सो मच, लव यू टू, गुड नाइट।